Okay, hi guys, this is Darshan Khare reporting live from Pune, and we are at the second lecture of CMF final corporate and economic laws, and we are starting this lecture today with the new concept जो हमारे नए concept है laws के उसके साथ में. जैसे आपने index already देखा होगा, मैं उसको एक बार repeat कर देता हूँ कि आज हम क्या क्या देखने वाले. First of all we'll revise, yesterday हमने क्या पढ़ा था, law of land हम revise करेंगे, कंटेंट्स ऑफ लॉ आज हम रिवाइज करेंगे, हाउ टू स्टार्ट विद द लॉ, इकोनॉमिक लॉ का इंट्रोडक्शन, नेम्स एंड ईयर, और अगर फिर समय बचा तो फेमा का इंट्रोडक्शन हम शुरू करेंगे. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? बाकी अपडेटेड रहना, यू नो से अपडेटेड vsmartacademy.com/darshan सर. क्वेरीज के सभी रिगार्डिंग चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बोल के रखी है. चलो स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से. आज हम जाने वाले हैं बेसिक्स ऑफ लॉ कंसेप्ट के ऊपर, जिसके लिए मुझे आपको कई सारी चीजें देनी पड़ेगी जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जरूरी है. सो बहुत कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखना, जस्ट वन मिनट गिव टू मी. श्योर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम यस्टरडे के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा ये एक बार रिवाइज करेंगे कि लेक्चर नंबर वन में हमारा क्या क्या हो चुका है और लेक्चर नंबर टू में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. लेक्चर नंबर वन में आई हैव स्टार्टेड विद द वेरी बेसिक कंसेप्ट, दैट इज व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय लॉ. पहले मैंने आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि अमेंडमेंट किस तरीके से आते हैं. एक बार डेट बोलो दिल पे हाथ रख के, सबने हाथ रखना है दिल के ऊपर, अपने दिल पे, निकम्मो अपने दिल पे, साइड वाले के दिल पे नहीं, वैसे साइड में कोई होगा भी नहीं, क्वारंटीन चल रहा है, ठीक है. सो अपने दिल पे हाथ रखो और बोलो 10 सितंबर 10 मार्च इस दिन अपने अमेंडमेंट आते हैं. बुक एक साल के अंदर रिप्लेस करना जरूरी है. और स्टे ट्यून स्टे अपडेटेड एट vsmartacademy.com/darshan सर, ये चीज को आपको समझना जरूरी है. फिर हमने उसके बाद में ये तीन मेन चीज याद रखना, क्वेरी क्वेरी नंबर पे ही पूछना, आईटी हेल्प पे आप आईटी के हेल्प पूछ सकते हो, और contact@vsmartacademy.com के ऊपर आप बाकी जनरल क्वेरीज पूछ सकते हो, ठीक है. सो उसके बाद हमने स्टार्ट किया था व्हाट डू एग्जैक्टली मीन बाय लॉ. लॉ ये सिचुएशन बेस्ड होता है, एवरी टाइम पास के लिए कोई लॉ प्रिपेयर नहीं करता. दूसरी चीज हमने लॉ के अंदर ये पढ़ी थी कि भाई लॉ कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है. कल हमने उसके लिए हमने एग्जांपल्स भी लिए थे, जैसे डाउरी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी, ऐसे. फिर उसके बाद में हमने देखा था कौन से फैक्टर है जिसके ऊपर लॉ बेस्ड होता है. सबसे पहला फैक्टर आपका सेफ्टी, दूसरा बेनिफिट, तीसरा नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर, एंड चौथा इथिक्स. सेफ्टी और बेनिफिट ये हर लॉ में लिखना जरूरी है, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर एंड एथिक्स ये हर लॉ में लिखना जरूरी नहीं है, ये अज्यूम्ड है. ऐसा किसी भी लॉ में नहीं लिखा जाता कि दिस लॉ इज वेरी एथिकल, मैंने ऑलरेडी बोला था. सेफ्टी और बेनिफिट में भी अगर हमको प्रायोरिटी लेनी है तो हम सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देंगे, बोलो बोलो किसको देंगे, सब जन बोलो, अटेम्प्ट की कसम, अकेले बैठे हो तो कोई दिक्कत, बोलना है, ठीक है, बोलो सेफ्टी और फिर उसके बाद में क्या बोले एक बार बेनिफिट. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? बहुत बढ़िया. ये चीज होने के बाद में फिर हम आगे बढ़े थे, हमने देखा था कि भाई कितने टाइप के लॉज होते हैं. पहले तो लॉ पास करने के प्रोसेस में हमने देखा था लॉ पास करने का पावर किसके पास है. द पावर टू पास द लॉ लाइज विद द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और यह पावर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी इन आर्टिकल नंबर, आर्टिकल नंबर चाहिए मेरे को निकम्मो, सब लोगों से चाहिए, कौन सा आर्टिकल नंबर 245, और लिस्ट्स मेंशन की है आर्टिकल नंबर 246 में, शेड्यूल नंबर कौन सा है 7. मुझे कितने टाइप के लॉज होते हैं बच्चों, तीन. पहला कौन सा, यूनियन. दूसरा कौन सा, स्टेट. तीसरा कौन सा, कॉन्करेंट. क्लियर है? यूनियन लॉ जो पूरे इंडिया को एप्लीकेबल होता है, मेरे देश की धरती और उसके 12 नॉटिकल माइल्स, मेरे देश की धरती, ठीक है, वो गाना सुना है ना आपने, तो कंपनीज एक्ट के लिए देश की धरती और समंदर में 12 नॉटिकल माइल्स, यहां तक के लॉ एप्लीकेबल होता है. यहां कुछ बच्चे मेरे को सवाल पूछते हैं, सर, मैं बोला बोल भाई क्या हो गया, बोल. बोले सर मैंने वो मूवी देखा था. मैंने बोला कौन सा, सर वो जो वो था ना वो सलमान खान वाला. मैं बोला ऐसे तो बहुत मूवी है सलमान खान के, सलमान खान कुछ भी करता है मूवी ऑटोमेटिकली बन जाता है, ठीक है. सो नहीं नहीं सर वो वाला बजरंगी भाईजान. मैं बोला बहुत बढ़िया, शानदार, अच्छा, बहुत अच्छा मूवी है. तो बोले सर मूवी का एंड बहुत खास था. मैंने बोला क्यों, क्या हुआ? तो मूवी के एंड में बोले सर इंडिया के पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच में खड़ा रहता है और बच्ची को ऊपर फेंक देता है, मूवी वही खत्म हो जाती है, बच्ची हवा में अटक जाती है. मैं बोला हद है जिंदगी में, ऐसी मूवीज बननी चाहिए पर तुम ऐसे सीन के ऊपर क्यों कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो? नहीं सर मेरे को दिक्कत आई, आपने बोला इंडिया के लॉ एप्लीकेबल होते हैं इंडिया में और 12 नॉटिकल माइल पे, व्हाट अबाउट दैट प्लेस जहां पे बच्ची हवा में अटकी है और सलमान खान उसको झेलने की कोशिश कर रहा है. बेटा 12 नॉटिकल माइल समंदर में, अगर ऐसा कोई जगह है जो दो बॉर्डर के बीच का जगह है उसे कहा जाता है नो मैंस लैंड, और ये इंडिया का कवरेज का एरिया नहीं है, वहां पे हमारे लॉज एप्लीकेबल नहीं होते.
क्लियर है कंसेप्ट? वो यूनाइटेड नेशंस वाला एरिया है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है? वैसे काफी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी थी ये, आई नो आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है लेट्स गो। ये चीज होने के बाद में हमने देखा था कि लॉ तीन टाइप, यूनियन स्टेट कॉन्करेंट, यूनियन लॉ में 97 एंट्रीज, स्टेट लॉ में 66 और कॉन्करेंट लॉ में 47 एंट्रीज, नियरली यही नंबर हमने देखा था। ये सुनो, ये चीज होने के बाद में हम आगे बढ़े थे, हमने देखा था लॉ पास करने का प्रोसेस, यूनियन और कॉन्करेंट लॉ सेंट्रल प्रोसेस है, स्टेट लॉ ये स्टेट प्रोसेस है। कुछ याद आया? सबसे पहले ड्राफ्टिंग, हम लॉ को क्या करते हैं, ड्राफ्ट लिखना, ठीक है, उसके बाद में उसको प्रेजेंट एट द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट याद है ना, वहां लोगों को माइक वाइक फेंक के मारते, चेयर वेयर फेंक के मारते, घुस के बंडल दिखाते हैं, ठीक है, मोबाइल पे छी छी शिव शिव क्या क्या देखते हैं, तो इनको हम कहते हैं पार्लियामेंट। अनफॉर्चुनेटली ये चीज होने के बाद में हम उसको फर्स्ट रीड करेंगे, फिर उसके बाद में पब्लिक के कमेंट्स आएंगे, पब्लिक तो कुछ भी कमेंट कर सकती है, सोनम गुप्ता वफा है, तो इनको फिल्टर करने के लिए कमिटीज आएंगे। मैंने कंपनीज एक्ट के लिए तीन कमिटीज बताया था, याद है, नारायण मूर्ति कमेटी, जे ईरानी कमेटी और कुमार मंगलम बिरला कमेटी, कुछ याद है? ये होने के बाद में हमने फिर आगे बढ़े थे, हमने देखा था कि भाई हमारे लॉ को स्टैंडिंग कमेटी ने अप्रूव करने के बाद वापस पार्लियामेंट में जाता है, पार्लियामेंट के कितने हाउसेस, बोलो बोलो बोलो, अटेम्प्ट की कसम बोलो, दो हाउसेस, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल, हाउस ऑफ पीपल क्या नाम है हिंदी में, लोकसभा, हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल राज्यसभा, लोकसभा में कितने मेंबर, 545, राज्यसभा में 245, मेजोरिटी अप्रूवल चाहिए, एनडीए वाली सरकार चल रही है, एनडीए नेशनल डिफेंस फटके दूंगा जिंदगी के अंदर, बीजेपी प्लस अलाइड पार्टीज को हम नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कहते हैं, यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, कांग्रेस प्लस अलाइड पार्टी। फिर मैंने आपको बताया था मैक्सिमम नंबर ऑफ एमपीज कहां है, कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा एमपी है, उत्तर प्रदेश। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, ये चीज को आपने समझना बहुत जरूरी है। ये चीज होने के बाद में फिर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस पे लॉ पास होगा, फिर जाएगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट इसको एक तो एक्सेप्ट नहीं तो रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन रिजेक्ट करेगा तो वन टाइम विद रीजन रिजेक्ट करेगा, सेम लॉ वापस आता है तो उसको एक्सेप्ट करना कंपलसरी है। क्या है बोले एक बार, कंपलसरी, फिर वो रिजेक्ट कर सकता है का नहीं। फिर उसके बाद में ऑफिशियल गजट में डेट, एरिया और सेक्शन, ये तीन चीजें मेंशन करते हैं। जैसे मैंने बोला था कंपनीज एक्ट 2013, ये 12 सितंबर 2013 से पूरे इंडिया में 98 सेक्शंस के साथ अप्लाई होना शुरू हुआ था। कुछ याद आया? ये होने के बाद में स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लॉ है तो स्टेट लेजिस्लेचर के दो हाउसेस, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा विधान परिषद। विधानसभा विधान परिषद में मेजोरिटी अप्रूवल, फिर जाएगा गवर्नर के पास, गवर्नर में अप्रूवल दे दिया, फिर स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल गजट में महाराष्ट्र शासन राज्य पत्र दिखाते थे ना मैंने, उसके अंदर डेट एरिया सेक्शन मेंशन करेंगे और ऑटोमेटिकली हमारा लॉ जो है वो पास हो जाएगा। क्लियर है आंसर सबको? हाँ ना, इतना प्रोसेस हमने देखा था। कुछ खास चीजें हमने देखी थी कि जॉइंट सेशन भी हो सकता है, जॉइंट सेशन, कुछ याद आया? तीन लॉज जॉइंट सेशन में पास हुए थे, कौन कौन सा, डाउरी, टेररिज्म और जो पास नहीं हुआ बैंकिंग सर्विसेज रेगुलेशन कमीशन बिल, कुछ याद आया? ये हमने देखा था ऑलरेडी, कंसेप्ट समझ में, मतलब देखो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी लॉ, वो पार्लियामेंट के अटैक के बाद कितने फास्ट में उन्होंने पास किया, पार्लियामेंट में अटैक क्या हुआ, जॉइंट सेशन में पास कर दिया, कंसेप्ट समझ में आ रहा है कितनी पटी पड़ी होगी। तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। एक चीज होने के बाद में हमने देखा था प्रेसिडेंट का वेटो पावर, प्रेसिडेंट कुछ बिल्स को रिजेक्ट नहीं कर सकता, मनी बिल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स, बाकी सबको रिजेक्ट कर सकता है विद रीजन, लेकिन सिर्फ एक बार वापस आने के बाद एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। आज जैसे मैंने आपको इंडेक्स दिया, वी आर स्टार्टिंग विद अदर बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ द लॉज जो आज पढ़ना बहुत जरूरी है। सो मैं चाहूंगा सब जन आ जाइए बोर्ड के ऊपर, कॉन्सेंट्रेट करना, चौबल, पांच बल, ट्रिपल, सेवन बल, जितने भी हो सकते हैं, लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे से। आज हम जो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तीन कंसेप्ट मेरे को बेसिक्स के आज बहुत अच्छे से लेने हैं, ठीक है, ये बेसिक ही है, सभी का सभी बेसिक है, पर मेरे को बहुत अच्छे से लेना जरूरी है आज, क्योंकि ये कंसेप्ट आपको आगे पूरे सिलेबस में काम में आएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे से, एवरीबॉडी प्लीज कीप ऑन कॉन्सेंट्रेटिंग। आज मैं जो कंसेप्ट ले रहा हूं, उस कंसेप्ट को हम प्यार से कहते हैं लोल। क्या कहते हैं? लोल। लोल मतलब लो ऑफ लैंड, सो लोल। लोल पता है आपको? वो वाला लोल नहीं, निकम्मो लोल है नहीं, लोल, लॉ ऑफ लैंड। सर ये लॉ ऑफ लैंड क्या होता है? सर वही बता रहा हूं बेटा, बड़े अच्छे से ध्यान देना बोर्ड पे। व्हाट इज लॉ ऑफ लैंड? बड़ा ही ऐसा खतरनाक टर्म है,
लॉ ऑफ लैंड मतलब मेरे देश की धरती, धरती और उसके 12 नॉटिकल माइल्स में जो लॉज अप्लीकेबल होते हैं, जिस रूल्स के थ्रू हम गवर्न करते हैं, उसे हम कहते हैं लोल, लॉ ऑफ लैंड। अब लॉ ऑफ लैंड जो है वो बेसिकली डिवाइड होता है कई सारे पार्ट्स में, क्योंकि इसका एक कोई पार्ट ऐसा नहीं है कि बस ये एक ही पार्ट है लॉ ऑफ लैंड का और हो गया, ना, ये कई सारे पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। लॉ ऑफ लैंड का सबसे पहला पोर्शन, ये सब चीजें मैं नॉर्मली इंटर में बताता हूं, पर अभी अब कैसा है कि फाइनल लेवल के बच्चे भी अभी आ जाते हैं तो मेरे को उनको भी बताना जरूरी है। सो लॉ ऑफ लैंड का अगर सबसे पहला पोर्शन में बोलू तो होता है कोई भी एक्ट जो आप पार्लियामेंट में पास करते हो, ऐसे कोई भी एक्ट को हम लॉ ऑफ लैंड कहते हैं जो हम पार्लियामेंट में पास करते हैं। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, अब कंपनीज एक्ट हमारा मेन पोर्शन है इसलिए मैं लिखता हूं कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 ये लॉ ऑफ लैंड का सबसे पहला पोर्शन है, कंपनी लॉ का सबसे पहला पोर्शन। लेकिन कई बार एक्ट आने के बावजूद भी हमें उसके अंदर अमेंडमेंट्स लाने पड़ते हैं, उसके अंदर कई सारे चेंजेस लाने पड़ते हैं। एक्ट पास करना काफी आसान चीज है बच्चों, लेकिन व्हाट इफ अगर हमें एक्ट पास करना है और पार्लियामेंट के सेशंस ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, रेनी सेशन पार्लियामेंट का खत्म हो गया, पार्लियामेंट का एक सेशन कंप्लीट हो चुका है और अभी हमको लॉ पास करना है, अभी हमको नया लॉ लेके आना है और पार्लियामेंट का सेशन ही नहीं है, तो हम क्या करें? तो जब पार्लियामेंट का सेशन अवेलेबल नहीं होता बट फिर भी आपको लॉ पास करना है, उस वक्त हम एक नई चीज लेके आते हैं, उस चीज को हम कहते हैं ऑर्डिनेंस। क्या कहते हैं उसको? ऑर्डिनेंस। व्हाट इज ऑर्डिनेंस? ऑर्डिनेंस इज अ काइंड ऑफ टेंपरवरी लॉ, टेंपरवरी लॉ व्हिच इज पास्ड बाय प्रेसिडेंट, नॉट बाय पार्लियामेंट, विच इज पास्ड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इसके लिए अप्रूव करता है। रामनाथ कोविंद जी हां बोलेंगे, लेकिन अभी तक पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ क्योंकि पार्लियामेंट है ही नहीं और लॉ इंप्लीमेंट करना जरूरी था, अदरवाइज पब्लिक भटक जाती थी। सो टेंपरेरी लॉ है, पास्ड बाय पार्लियामेंट। समझ में आ रहा है मैं कि क्या कह रहा हूं? सो दिस इज कॉल्ड एज ऑर्डिनेंस, अ टेंपरेरी लॉ पास्ड बाय प्रेसिडेंट, नॉट पार्लियामेंट, पास्ड बाय प्रेसिडेंट बट विल बी पास्ड बाय पार्लियामेंट, विल बी पास्ड बाय पार्लियामेंट इन फ्यूचर, इन फ्यूचर, फुटूरे, एफ यू टी यू आर ई, फुटूरे, फ्यूचर में पास होगा, और हो सकता है अमेंडमेंट के साथ पास हो सकता है ऐसा का ऐसा पास हो, डिपेंड्स, हो सकता है हो भी ना, लेकिन फिलहाल सिचुएशन संभालने के लिए हमको इसको लॉ बनाना जरूरी था, तो हमने दे दिया भैया ऑर्डिनेंस। क्या दे दिया बच्चों? ऑर्डिनेंस, अ टेंपरेरी लॉ पास्ड बाय अ प्रेसिडेंट बट विल बी पास्ड बाय पार्लियामेंट इन द फ्यूचर, विच इज कॉल्ड एज ऑर्डिनेंस। सर इसका कोई एग्जाम्पल दे सकते हो? बिल्कुल दे सकता हूं, इसीलिए तो पढ़ा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 आपने सीखा होगा ना, दैट इज कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019। क्लियर है कंसेप्ट सबको? जो ओरिजिनल कंपनीज एक्ट 2013 में चेंजेस करता है, कुछ प्रैक्टिकल चेंजेस जो इमरजेंसी में थे, इसलिए प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दे दिया, लेकिन पार्लियामेंट ने अप्रूवल नहीं दिया था, लेकिन उसके बाद में उसको पार्लियामेंट ने भी अप्रूवल दे दिया। सो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 वाज अर्लियर कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, आपने चेक कर लेना, यह जनवरी 2019 में पास हुआ था, कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? नवंबर 19 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल हुआ था। सो सेकंड चीज होती है, पहली चीज होती है बेटा एक्ट, और दूसरी चीज जो होती है उसे हम कहते हैं बच्चों ऑर्डिनेंस। क्या कहते हैं बच्चों? ऑर्डिनेंस। फिर एक्ट और ऑर्डिनेंस हो गया, लेकिन फिर भी आपको कुछ चीजों के मतलब समझ में नहीं आए, तो फिर आप देखते हो डिपार्टमेंट की तरफ, डिपार्टमेंट की तरफ आप देखते हो, डिपार्टमेंट को बोलते हो भैया हमें कुछ चीजों के मतलब समझ में नहीं आ रहे, बताइए। तो डिपार्टमेंट तीन चीजें नोटिफाई करता है, डिपार्टमेंट तीन चीजें नोटिफाई करता है। सबसे पहले डिपार्टमेंट देता है नोटिफिकेशंस, दूसरा डिपार्टमेंट देता है सर्कुलर्स, और तीसरा डिपार्टमेंट देता है रूल्स। नोटिफिकेशंस मींस चेंजेस, सर्कुलर मींस क्लैरिफिकेशन, एंड रूल्स मींस प्रोसेसेस।
सर नोटिफिकेशन क्यों दिया जाता है? नोटिफिकेशन बच्चों हमेशा अमेंडमेंट के लिए दिया जाता है। अमेंडमेंट के लिए हम नोटिफिकेशन देते हैं। कोई भी प्लस करना है, माइनस करना है, एडिशन, डिलीशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन नहीं, डिवीज नहीं। सो कोई एडिशन डिलीशन करना है, सब्सटीट्यूशन करना है लॉ में, तो हम नोटिफिकेशन देते हैं। क्या देते हैं? नोटिफिकेशन। आपका जो ऑर्डिनेंस है ना, ये नोटिफिकेशन के थ्रू ही रिलीज होता है, बिकॉज इट इज नथिंग बट अमेंडमेंट। कोई भी अमेंडमेंट इसी के थ्रू रिलीज होगा, दैट इज अ नोटिफिकेशन। क्लियर है कॉन्सेप्ट सबको? जितने भी अमेंडमेंट्स आएंगे आपको नोटिफिकेशन नंबर मिलेगा। इसलिए देखो, मैंने पहले लेक्चर में बोला था, कोई अमेंडमेंट चिल्लाते हो आया 10 सितंबर 10 मार्च और बोलना नोटिफिकेशन नंबर क्या है, बेयर टेक्स्ट क्या है, नोटिफिकेशन का डेट क्या है, बताइए। क्लियर है? तो नोटिफिकेशन नंबर मतलब है भाई अमेंडमेंट आया है। फिर उसके बाद में आता है सर्कुलर्स। क्या आता है बच्चों, बोले एक बार, सर्कुलर। सर्कुलर्स आर क्लैरिफिकेशंस। फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। एक दिन मेरा पेट दुखने लग गया बहुत जोर से, मैं बोला भगवान पेट दुख रहा है। मैं गया मेरे फैमिली डॉक्टर के पास, मैं उसको बोला हाय, बोले हाय। मैं बोला मेरा पेट बहुत जोर से दुख रहा है, बचाओ। डॉक्टर मेरे को चेक करता है, बोले एसिडिटी हुई है। बोला ओके। लेकिन हमारे यहां सेकंड ओपिनियन देना जरूरी है, इंडिया में डॉक्टर ही इस कदर है। तो हम सेकंड ओपिनियन के लिए मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया, मैंने बोला पेट दर्द हो रहा, बहुत पेट दर्द, बचाओ। बोले अपेंडिक्स हुआ है। भगवान, एक बोला एसिडिटी, दूसरा बोला अपेंडिक्स। फिर मैं गया तीसरे डॉक्टर के पास, अब कंफ्यूजन हो गया ना, कोई तो कंफर्म करे दोनों में से क्या है। मैं तीसरे के पास गया, वो बोला पेट दुख रहा है, पेट दुख रहा है, बचाओ। वो बोले सर आपको जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। मैं बोला क्या? नहीं, बोले मतलब गैसेस। मैं बोला अरे तीसरा ओपिनियन आया। अब जितने डॉक्टर को पेट दिखा रहा हूं वो सब बोल रहे हैं अलग अलग डिसीजेस। मैं कंफ्यूज हो गया। ऐसे ही लॉ में हो सकता है, एक वर्ड है उसके अलग अलग मीनिंग निकाले जा रहे लोग। वैसे आप भी वर्ड्स के बड़े अच्छे मीनिंग निकालते हो, ये आई नो, मेरे को कॉन्फिडेंस है आपकी क्रिएटिविटी पे, ठीक है। सो अलग अलग मीनिंग निकाले जा रहे हैं लोग, समझ में आ रहा है मालिक? तो ऐसे सिचुएशन में जब अलग अलग मीनिंग निकालते हैं ना लोग, तो कुछ एक क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है कि इस वर्ड का यही मीनिंग होगा। और इस क्लैरिफिकेशन में हम मीनिंग बोलते हैं या फिर हम एग्जीक्यूशन बोलते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? जब एक ही चीज के ऊपर बड़ा कंफ्यूजन होता है तो सर्कुलर्स। फिर आता है रूल्स। रूल्स मतलब प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, डायरेक्टर ने डिन होल्ड करना चाहिए। डिन कितने लोगों को मालूम है? डिन सुना होगा आपने, डिन। डायरेक्टर ने डिन होल्ड करना चाहिए। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। आपको पता है LLP में, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में, डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए भी डिन होल्ड करना पड़ता है। सो डायरेक्टर ने डिन होल्ड करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। डायरेक्टर ने डिन होल्ड, हाउ, जरूरी है, कंपल्सरी है। पर ये डिन लेने का प्रोसेस कहां बोला है? तो बच्चों, डिन अगर आपको ऑप्टेन करना है, कैसे ऑप्टेन कर सकते हो, इसका प्रोसेस दिया जाता है रूल्स में। इसका प्रोसेस कहां दिया जाता है? रूल्स में। तो रूल्स टेल्स द प्रोसेस। ई फॉर्म्स वगैरह, रूल्स ई फॉर्म्स वगैरह के साथ प्रोसेस बोलता है कि किस तरीके से। अब ये चीज आपको समझना जरूरी है। एक्ट जो है ना, एक्ट, ये एक्ट बनाती है गवर्निंग पार्टी। गवर्निंग पार्टी, जो पार्टी गवर्न करती है ना उस वक्त, वो एक्ट बनाती है। रूल से बनाए जाते हैं रूलिंग पार्टी से, रूलिंग पार्टी। सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गवर्निंग पार्टी? गवर्निंग पार्टी मतलब उस वक्त जिस वक्त एक्ट इंप्लीमेंट हो रहा था, उस वक्त जो पार्टी थी उसे हम कहते हैं गवर्निंग पार्टी। जैसे कंपनीज एक्ट 2013, ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनाया बच्चों, हाँ। लेकिन रूल्स उसके 2013 के बाद 2014 से इलेक्शन बीजेपी की ही है, तो उसके पूरे रूल्स किसने बनाए हैं? रूलिंग पार्टी बीजेपी ने। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ये लॉ ऑफ लैंड का तीसरा पार्ट है, डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन सर्कुलर रूल्स। ये लॉ ही है, प्रोसेस भी लॉ ही है, पर ये अलग से बोला जाता है। जब आपके पास एक्ट हो तो भी काम ना बने, जब आपके पास रूल्स हो तो भी काम ना बने, जब आपके पास ऑर्डिनेंस हो तो भी काम ना बने, डिपार्टमेंट का सर्कुलर, नोटिफिकेशन, रूल सब है तो भी काम नहीं बन रहा है, तो उस सिचुएशन में अगर स्टिल कंफ्यूजन एग्जिस्ट करता है तो हम जाते हैं, किसके पास? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास, डिसीजंस के लिए। डिसीजन के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास हम जाएंगे? हाँ बच्चों, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सभी चीजों को एंटरटेन करता है जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है। लॉ के इंटरप्रिटेशन में दिक्कत है जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है। क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का डिस्कशन आएगा फेमा चैप्टर के एंड में, आई विल टेल यू। तो
तो जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के पास जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के जो डिसीजन है वो पूरे इंडिया में प्लस उसके 12 नॉटिकल माइल में एज अ लॉ ही अप्लीकेबल होता है, एज अ लॉ। तुमने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट जो बोलेंगे वो लॉ ऑफ लैंड होता है, क्योंकि वो लॉ ऑफ लैंड होता ही है, जो ये डिसीजन देंगे वो फाइनल। मतलब जो भी दिक्कत आपको जा रही है सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट इंटरप्रिटेशन वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। रही बात सर एक्ट पढ़ लिया नहीं समझ में आ रही चीज, सर ऑर्डिनेंस पढ़ लिया फिर भी नहीं समझ में आ रही, नोटिफिकेशन सर को रूल देख रहे फिर भी नहीं मिल रही, सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के पास कोई डिसीजन नहीं है इसका, और सर हमें इसका मीनिंग चाहिए, मीनिंग चाहिए। तो एक और चीज होती है जो अज्यूम्ड है हर लॉ में, दैट इज कॉल्ड एज कस्टम्स। व्हाट इज कस्टम? कस्टम मतलब नॉर्मल यूसेज, नॉर्मल और रैशनल रूल डिफाइंड, नॉर्मल रैशनल रूल विच इज नॉट डिफाइंड बट एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, बट एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, एवरीवन हर एक ने एक्सेप्ट किया है इसको। सर एग्जांपल दो, एग्जांपल ये कौन सा लेटर है, बोलो कौन सा लेटर है, ए, बराबर है। कहां लिखा है, कौन से लॉ में लिखा है इंडिया की इसको ए बोलना है? अल्फाबेटिकल लॉ सर, इंग्लिश लर्निंग लॉ, ऐसा कोई लॉ नहीं है जिंदगी में, पर इसको ये बोलना है कहां लिखा है, बोले जा रहे जबरदस्ती, मेरे को ए नहीं बोलना है, मेरे को आओ बोलना है, मेरे को इसको आओ, कल से जिसमें भी ये आएगा ए उसको हम आओ बोलेंगे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, एप्पल एप्पल, मेरी मर्जी मेरे को नहीं बोलना, कहां लिखा है? तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता, मेरे को नहीं बोलना है, क्योंकि इट इज अ कस्टम विच इज रैशनल प्रिंसिपल एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, कहीं लिखा नहीं है पर सबको मालूम है ये ए है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। कल जाके अब अल्फाबेट में 26 अल्फाबेट्स है इंग्लिश में, कल जाके हमने एक नया अल्फाबेट क्रिएट किया, आओ ये इसका नाम है, आओ नया अल्फाबेट है, आओ मैंने आज आपको बोला आओ, आप कल से आओ आओ करना शुरू हो गए, कोई भी कुछ हो सकता आओ, फिर परसों मैंने पढ़ाया आपने इसको फेमस कर दिया, न्यूज़पेपर में छप गया, नया अल्फाबेट आया, ऑक्सफोर्ड वालों ने इसको डिक्शनरी में डाल दिया आओ, तो अल्फाबेट बन जाएगा, क्योंकि कस्टम यूसेज है, किसी लॉ में डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ऐसा सब्सटेंस रियलिटी होता है बच्चों, कस्टम यूसेज को हम रियलिटी कहते हैं। कई बार रियलिटी विल प्रिवेल ओवर लीगैलिटी, कस्टम यूसेज विल प्रिवेल ओवर लॉ, ये नहीं फर्क पड़ता कि लॉ क्या बोल रहा है, प्रैक्टिकली कस्टम क्या कर रहा है इससे भी फर्क पड़ता है। कंसेप्ट समझ में आया? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आपने पढ़ा होगा, उसमें तीन ही इंस्ट्रूमेंट डिफाइंड है, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक। पर आपको पता है इंडिया में कस्टम में एक दो और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते, हुंडीज, राजसी हुंडी, दीवानी हुंडी, निगोशिएबल एक्ट में इसका, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में इसका रेफरेंस भी है। तो कस्टम्स वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं कुछ जगह पे, तो उसे हम कहते हैं कस्टम, और ये कस्टम ओवरराइड्स द लॉज, उन्होंने डिफाइन नहीं किया निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, पर स्टिल हम उसको ट्रीटमेंट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसा ही देते हैं। इन सब चीजों को हम कहते हैं लॉ ऑफ लैंड, ये सब अगर टुगेदर होल्ड किए जाए तो वी कॉल दिस लॉ ऑफ लैंड। चार्ट पसंद आया सबको? हाँ ना, समझ में आ रहा है? तो ये बेसिक क्लैरिटी है कि आपने लॉ किस तरीके से पढ़ना चाहिए, अगेन बेसिक चीज, ठीक है। तो अब मैं चाहूंगा आपकी बुक को 200 पेजेस की जो बुक है उसमें आप जो प्रोसेस वाइज लिखते जा रहे हो, प्रोसेस ऑफ लॉ आपका हो गया होगा, बेन बेसिक एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गए होंगे, उसके बाद ही आपको ये लिखना है, ठीक है। जो पहले 30 पेजेस ब्लैंक है उसमें कुछ भी नहीं लिखना है, 100 पेजेस की बुक को साइड में रख दो, उसको फिलहाल छूना नहीं है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा इसको लिख के रखो, बुक को आड़ा करके लिखना, क्योंकि चार्ट लैंडस्केप है, आप पोर्ट्रेट में लिखने जाओगे नहीं बैठेगा, बुक को आड़ा करना फिर लिखना, ठीक है। गो फॉर इट, मैं आपको समय देता हूं उसके लिए, गो फॉर इट।
अगर आपका रह जा रहा हो तो पॉज करके लिखना बेटा, थोड़ा अंदाजा आना मुश्किल है। लिखना हो गया सबका? वर्चुअल पेन ड्राइव में अगर लिखना नहीं हुआ है तो आप पॉज करके लिखना, थोड़ा सा अंदाजा आना मुश्किल है क्योंकि सामने बच्चे नहीं है, सो यू कैन अंडरस्टैंड आई गेस। चलो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ लैंड वाला कंसेप्ट, लोल समझ में आया सबको? एक बार सबजन रिवाइज करेंगे लाइन से, लोल में क्या क्या आता है? सबसे पहला बोलो सबजन, बोलो एक्ट। दूसरा क्या आता है? ऑर्डिनेंस। तीसरा क्या होता है? डिपार्टमेंट के सर्कुलर नोटिफिकेशन रूल्स। चौथा क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के केसेस। और पांचवा क्या होता है? कस्टम्स। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। इसको हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ लैंड। लॉ ऑफ लैंड लेने के बाद में अब मैं जा रहा हूं नेक्स्ट कंटेंट के ऊपर, और वो कंटेंट है कंटेंट्स ऑफ द एक्ट।
कोई भी लॉ पढ़ने के पहले या कोई भी एक्ट पढ़ने के पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, ठीक है। तो मैं एक नया चार्ट बना रहा हूं, यह चार्ट लंबा चौड़ा जाएगा, सो बोर्ड के ऊपर ध्यान देना, लिखने के लिए स्पेसिफिक समय मिलेगा, ठीक है। तुमने यह अर्ज किया है कि किसी भी एक्ट में किसी भी एक्ट में सबसे पहले आपने जो पढ़ना चाहिए वो है बच्चों प्रीएम्बल। प्रीएम्बल के बाद में, अब प्रीएम्बल मतलब क्या, मैं एक एक चीज को यहां पे एक्सप्लेन करते जाऊंगा तो आपको समझ में भी आएगा। अर्ज किया है कि किसी भी एक्ट में प्रीएम्बल से हमने स्टार्ट करना है, ठीक है, आधा मर्जे। सो प्रीएम्बल से वी शुड स्टार्ट। व्हाट इज प्रीएम्बल? प्रीएम्बल का मतलब होता है स्टार्टिंग। एक्ट के बारे में क्या लिखा है? नॉर्मली प्रीएम्बल के अंदर दो तीन चीजें लिखी होती है। कौन कौन सी चीजें प्रीएम्बल में लिखी होती है मैं थोड़ी सी लिस्ट कर दूं। पहला एस, दूसरा ई और तीसरा सी। सी निकम्मो, सी हराम करो, अच्छा सोचा करो जिंदगी में। पहला एस, दूसरा ई, तीसरा सी। एस शॉर्ट टाइटल, ई एक्सटेंट, सी कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट या किसी भी एक्ट के तीन मेन चीजें होती है। शॉर्ट टाइटल मतलब एक्ट का नाम क्या है, जैसे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये शॉर्ट टाइटल है। इनका शॉर्ट टाइटल और एक्चुअली एक्ट का टाइटल, इससे कोई लेन देन नहीं है। शॉर्ट टाइटल अभी हवा में वर्ड यूज करके रखा है इन लोगों ने जिंदगी में। शॉर्ट टाइटल और इसका एक्चुअली कोई लेन देन, मैं आपको बताऊं, सरफेस एक्ट, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट, नाम है या निबंध है समझ में नहीं आता जिंदगी के अंदर। सो इसको भी ये लोग शॉर्ट टाइटल बोलते हैं। तो एक्चुअली शॉर्ट टाइटल मतलब ऐसा नहीं एक्ट के इनिशियल, पूरे एक्ट के नाम को ये शॉर्ट टाइटल कहते हैं, समझ में आ रहा है आपको? सो किसी भी एक्ट का नाम ये शॉर्ट टाइटल होता है। फिर एक्सटेंट, ज्योग्राफिकली कौन कौन से एरिया उसको लगेगा, इंडस्ट्री वाइज कौन कौन से एरिया उसको लगेगा, दैट इज एक्सटेंट। एंड कमेंसमेंट, कौन से डेट से यह कमेंस होने वाला है। ये तीन चीजें हमको प्रीएम्बल में से समझ में आती है। कहां से समझ में आती है? प्रीएम्बल। प्रीएम्बल पढ़ने के बाद जो सेकंड चीज हम पढ़ते हैं, सेकंड चीज, चीज कौन सी? डेफिनेशन। डेफिनेशन, defineition। सो सेकंड चीज हम कौन सी पढ़ते हैं? डेफिनेशन। व्हाट इज डेफिनेशन? डेफिनेशन मतलब क्या? तो डेफिनेशन मतलब ऐसी चीजें विच टेल्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड। टेल मीनिंग्स, टेल मीनिंग ऑफ वर्ड्स, एक्ट के अंदर जो वर्ड्स यूज किए उसके मीनिंग। लेकिन कई सारे बच्चों को डेफिनेशन कितने टाइप के होती है यही समझ में नहीं आता, इसलिए मेरे को यहां पे एक चार्ट ड्रॉ करना पड़ेगा टू टेल यू हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेफिनेशन आर देयर। सो बोर्ड के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना। डेफिनेशन दो कैटेगरीज में डिवाइड होती है। मैं टाइप्स नहीं बोल रहा हूं, मैं पहले कैटेगरीज बोल रहा हूं। दो कैटेगरीज में डेफिनेशन डिवाइड होती है। सबसे पहले कैटेगरी को हम कहते हैं डेफिनेशन एज पर ड्राफ्टिंग, एंड दूसरा कैटेगरी है डेफिनेशन एज पर कवरेज। एज पर ड्राफ्टिंग में दो डेफिनेशन आते हैं टाइप, विच इज एक्ट बेस्ड डेफिनेशन, ऐसा डेफिनेशन जो एक्ट बेस्ड है, ऐसा डेफिनेशन जो सेक्शन बेस्ड है। अब एक्ट बेस्ड डेफिनेशन और सेक्शन बेस्ड डेफिनेशन दोनों में डिफरेंस क्या है, जरा समझिए, जरा गौर से समझिए तो समझ में आएगा, गौर फरमाइएगा हुजूर। एक्ट बेस्ड डेफिनेशन मतलब समझो मैं एक लॉ बना रहा हूं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कंट्रोल वाला, और मुझे वर्ड डिफाइन करना है प्लांट। अब प्लांट ये वर्ड में डिफाइन करना चाहता हूं, थ्रू आउट द एक्ट में मेरे को प्लांट ये वर्ड का मीनिंग चाहिए ट्री। एक्चुअली अब देखा जाए तो प्लांट वर्ड के दो मीनिंग निकलते हैं। अगर आप प्लांट एंड ट्रीज बोलो तो प्लांट का मतलब पौधा होगा, लेकिन अगर आप प्लांट एंड मशीनरी बोलो तो प्लांट का मतलब मशीन के सेंस में लिया जाएगा। समझ में आ रहा है? अब मुझे पूरे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कंट्रोल में प्लांट वर्ड का मीनिंग ट्री में चाहिए, तो इसको मैं नॉर्मली हर बार नहीं, नॉर्मली मैं सेक्शन टू में डिफाइन करूंगा कि प्लांट मतलब क्या, कि पूरे एक्ट में हम सेक्शन टू के डेफिनेशन को पुट कर दे कि प्लांट का मतलब यह है। समझ में आ रहा है?
समझ में आ रहा है, सेक्शन टू में बोल दिया पूरे एक्ट के लिए अप्लीकेबल, क्लियर है। लेकिन उसी एक्ट में, समझो उसी एक्ट में एनवायरमेंट रिगार्डिंग रॉ है, उसके अंदर मैंने सेक्शन टू में प्लांट डिफाइन कर दिया, लेकिन उसी एक्ट में मैंने एक सेक्शन डाला जहां पे मेरे को पोल्यूशन के बारे में बात करनी है और मुझे यह बोलना है कि भैया प्लांट्स एंड मशीनरी की वजह से भी पोल्यूशन होता है। सो पोल्यूशन के लिए मेरे को डिफाइन करना है वर्ड प्लांट। अब अगर मैं पोल्यूशन वाले सेक्शन में वर्ड प्लांट यूज करता हूं और मैं ये बोलूंगा कि भाई प्लांट एंड मशीनरी की वजह से पोल्यूशन होता है, अब जब मैं बोलूंगा प्लांट एंड मशीनरी से पोल्यूशन होता है और मैं ढूंढूंगा कि प्लांट वर्ड का मीनिंग कहां लिखा है, तो सेक्शन टू में प्लांट का मीनिंग तो पौधा लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, पौधे से पोल्यूशन होता है, पौधे से पोल्यूशन होगा जिंदगी में, पौधे से नहीं होगा, मुझे यहां प्लांट वर्ड का सेपरेट मीनिंग लेना पड़ेगा, खास करके इस सेक्शन के लिए जिसमें लिखा है प्लांट एंड मशीनरी से पोल्यूशन होता है। तो ऐसे सिचुएशन में इस प्लांट वर्ड को मैं इस सेक्शन के एक्सप्लेनेशन में डिफाइन करता हूं, कहां डिफाइन करता हूं, एक्सप्लेनेशन में ये बोलते हैं कि फॉर दिस सेक्शन इस सेक्शन के लिए प्लांट वर्ड का मीनिंग होता है मशीनरी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? सो एक हो गई सेक्शन टू में जो हम डिफाइन करते हैं नॉर्मली सेक्शन टू, कुछ एक्ट के डेफिनेशन सेक्शन फाइव में भी है, जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आईबीसी, इनका डेफिनेशन सेक्शन फाइव में है, कंसेप्ट समझ में आया। लेकिन सेक्शन टू में या फाइव में जो एक्ट के स्टार्टिंग में डिफाइंड होता है पूरे एक्ट में चलता है, जो एक्सप्लेनेशन में डिफाइंड होता है वो सिर्फ उस सेक्शन के लिए अप्लीकेबल होता है, क्लियर है। सो एक्ट बेस्ड डेफिनेशन भी हो गया हमारा और सेक्शन बेस्ड डेफिनेशन भी हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वो होता है कोई मिल गया, धूप मिलते तो कनेक्शन जुड़ता है ना, टेलीपैथी से बताओ जरा, करो ठीक है, समझ में आया, वेरी गुड। अब ये चीज होने के बाद में आई एम गोइंग फॉर कवरेज वाला डेफिनेशन। कौन सा वाला? कवरेज। कवरेज वाला डेफिनेशन फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है, दो टाइप्स में। एक डेफिनेशन को हम कहते हैं एग्जॉस्टिव, क्या कहते हैं बच्चों लो, एग्जॉस्टिव, और दूसरे डेफिनेशन को हम कहते हैं इंक्लूसिव। क्या कहते हैं? इंक्लूसिव। अब जरा गौर करना बोर्ड पे, व्हाट इज एग्जॉस्टिव और इंक्लूसिव बताओ जरा, टेलीपैथी आ रहा है बोलो, सोचो मेरे को मिल रहा है। सर एग्जॉस्टिव सर कुछ मीन्स वगैरह से शुरू होता है, बराबर। इंक्लूसिव सर कुछ इंक्लूड्स वगैरह, बढ़िया। मैं वर्ड्स नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि इनका मतलब क्या है, कोई एग्जांपल बोलो। चलो मैं आप एग्जांपल क्रिएट करता हूं, ध्यान देना। दूध और अंडे, दूध और अंडे, भटक मत जाओ, आइए। मेरा सवाल है क्या ये वेज है या नॉन वेज है? सर ये तो कभी सोचा ही नहीं, दूध और अंडे वेज है नॉन वेज है? जो खाते होंगे सर वेज है, मैं तो रोज खाते हूं अंडे, अंडे संडे हो या मंडे रोज का अंडे, और जो नहीं खाते होंगे नॉन वेज है सर, और जैन लोग, ओ माय गॉड, जैन लोग, एनी जैन आउट देयर, हाय हाय। सो जैन लोग होंगे, छी छी कैसा टीचर है, अंडों की बात कर ली, मैंने तो इसकी क्लास नहीं लगानी है, रिफंड दे दो सर, है। सो दूध और अंडे वेज है या नॉन वेज है बताओ जरा, बताओ। ओके, अब मेरे को इससे कोई लेन देन नहीं है एक्चुअली कि दूध और अंडे वेज है नॉन वेज है, मेरे को तो डेफिनेशन पढ़ानी है, पर डेफिनेशन पढ़ाने के लिए मेरे को ये थोड़ा सा क्लैरिफाई करना जरूरी था, तो अच्छा मैंने बोला। अब आप खाते हो तो खाओ, नहीं खाते हो नहीं खाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं कौन होता हूँ डिसाइड करने वाला, क्लियर है, लेट्स गो। आपको नॉलेज की भूख होनी चाहिए, सिर्फ वही खाना मैं खिला सकता हूँ, दूध और अंडे मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है, लेट्स गो। सो अगर मैं कल जाके डिफाइन करता हूँ फॉर द वर्ड वेज और मैं बोलता हूँ वेज मीन्स, वेज मीन्स फ्रूट्स, रूट्स, लीव्स, स्टेम और एनी पार्ट ऑफ प्लांट और ट्री और क्रीपर, क्रीपर ही कहते हैं ना बेली को, क्लाइंबर या क्रीपर ही कहते हैं आई गेस, और ट्री एक्सेट्रा इज कॉल्ड एज वेज। So, एक बार डेफिनेशन पढ़ो सज्जन, बड़ी अच्छी डेफिनेशन बनाई, अब भी बनाई है सभी के लिए, खास करके जैन लोगों के लिए। बोलो, वेज मीन्स फ्रूट्स, रूट्स, लीव्स, स्टेम्स, एनी पार्ट ऑफ प्लांट और ट्री।
फ्रूट रूट लीव या स्टेम या कोई भी झाड़ का या पौधे का या क्लाइंबर या बेली का कोई भी पार्ट, उसे हम कहेंगे वेज। अब अगर मैं बोल रहा हूं वेज मींस, जब मैं वर्ड यूज करता हूं ना मींस, तब इसके सामने मैं जो भी लिखूंगा, एनी गॉडडैम थिंग आई विल राइट इन फ्रंट ऑफ दिस, इट विल बी ब्रैकेट एंड नथिंग अदर देन दिस ब्रैकेट विल बी वेज। जो ब्रैकेट में लिखा है सिर्फ उतना ही वेज है, यह छोड़ के कुछ भी वेज नहीं है। मतलब फ्रूट्स रूट्स लीव्स स्टेम्स एनी पार्ट ऑफ प्लांट ऑटरी, सिर्फ यही वेज है। यह मतलब होता है मींस वाले एग्जॉस्टिव डेफिनेशन का। अब मुझे बताओ इस डेफिनेशन के हिसाब से दूध और अंडे वेज होंगे क्या? झाड़ दूध देता है या झाड़ पे अंडे लगते हैं, तोड़ लिया उबाल लिया खा लिया? ऑफ कोर्स नॉट। ना ही झाड़ दूध देता है ना ही झाड़ पे अंडे लगते हैं, तो इस डेफिनेशन के हिसाब से ये वेज है ही नहीं, ये वेज है ही नहीं, ये नॉन वेज हो गया। कंसेप्ट समझ में आ रहा? वही अगर मैं नई एक डेफिनेशन बना रहा हूं दूध और अंडों के लिए स्पेसिफिकली, और मैं लिखता हूं वेज इंक्लूड्स वेज इंक्लूड्स, और आगे मैं लिखता हूं सिर्फ मिल्क एंड एग्स, अब डेफिनेशन खत्म, फुल स्टॉप, फुल शट अप, डेफिनेशन खत्म, वेज इंक्लूड्स मिल्क एंड एग्स, फुल शट अप, आगे कुछ नहीं बोलना, शट अप। अब अगर मैं इस डेफिनेशन को देखूं तो वेज में दूध और अंडे इंक्लूड किए गए हैं, इंक्लूड किए गए हैं, इसका मतलब क्या फ्रूट्स रूट्स लीव स्टेम एनी पार्ट ऑफ प्लांट ऑटरी या आप और मैं जो नॉर्मली वेज समझते हैं वो इसके अंदर नहीं आएगा? क्या वो इसके अंदर नहीं आएगा? जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा, आना भी चाहिए। सो वेज जब मैं कहता हूं वेज इंक्लूड्स, तो इंक्लूड्स वर्ड्स में बच्चों दो चीजें छुपी हुई है। एक इंक्लूड वर्ड में चीज छुपी है अजम्पशन, अज्यूम, और दूसरा इंक्लूड वर्ड में छुपा है क्लैरिफिकेशन। देखो जो बंदा इस क्लास में है वो इस क्लास का है, दिस क्लास मींस हूएवर इज वॉचिंग दिस लेक्चर, ऐसा मैंने बोला हु दिस क्लास मींस हूएवर इज वॉचिंग दिस लेक्चर। लेकिन अगर मैं बोलता हूं दिस क्लास इंक्लूड्स टू हुम एवर यू आर रेफरिंग द लेक्चर्स, मतलब तुम जो देख रहे हो तो क्लास में हो ही, पर तुम जिसको रेफर कर रहे हो वो भी इंक्लूड किया जा रहा है, मतलब एक अज्यूम्ड है। तो भैया इंक्लूड वर्ड हम जब यूज करते हैं ना तो उसमें एक अजम्पशन होता है, अजम्पशन किस बात का होता है, जो नॉर्मली वेज है, जो चीज नॉर्मली वेज है वो अज्यूम्ड है कि वेज में ये आता ही है, वेज इंक्लूड्स बोला है, मतलब जो है वो तो है ही, ऊपर से हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। क्या क्लैरिफाई कर रहे हो? जो उसके आगे लिखी हुई चीजें है वो, ये क्लैरिफिकेशन है। और अजम्पशन में नॉर्मल वेज, अब नॉर्मल वेज आपने अगर पहले कहीं डिफाइन किया है तो ये माना जाएगा। कंसेप्ट समझ में आया? ये होता है इंक्लूसिव डेफिनेशन। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो इस वन, कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अरे बोलो हाँ या ना। तो ये चीज को हमने समझने चाहिए वेज। जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देता हूं, लिक्विड, लिक्विड मींस वाटर, जूस, वोडका, जिन, रम, विस्की, इतना मैंने बोला तो जो लिक्विड है वो इतना ही आएगा। लेकिन मैंने बोला लिक्विड इंक्लूड्स एनी अदर थिंग विच कैन फ्लो, तो वोडका, जिन, रम, विस्की, वाटर, जूस, ये तो लिक्विड है ही, और जो चीज फ्लो हो सकती है वो भी लिक्विड है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। तो ऐसे हम इंक्लूसिव और एग्जॉस्टिव डेफिनेशन बनाते हैं। बाकी रहा दूध और अंडों का सवाल, आप जैसे चाहिए उनके साथ खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, खा सकते हो, तुम्हारी मर्जी। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। ये हुआ डेफिनेशन, ये है सेकंड पार्ट किसी भी लॉ का। समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या कह रहा हूं? आइडिया क्लियर है? एग्जैक्टली कंसेप्चुअली समझ में आ रहा है, आगे बहुत अच्छे से यूज होने वाला है, इसलिए रेडी रहना बच्चों। हर एक चीज जो दे रहा हूं वो इतनी काम की है, क्या अगर आपने नहीं पढ़ी तो काम तमाम हो जाएगा। एक तो काम की चीज पढ़ो नहीं तो काम तमाम हो जाएगा। लेट्स गो। तीसरी चीज, डेफिनेशन के बाद हम शुरू करते हैं चैप्टर्स। हर लॉ में चैप्टर्स होते हैं, जैसे आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चैप्टर्स थे, आपने कभी ध्यान नहीं दिया पर थे। पहला चैप्टर एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा ऑफर, तीसरा एक्सेप्टेंस, चौथा कंसिडरेशन, याद है कुछ? हाँ ना। फ्री कंसेंट भी एक चैप्टर था, उसके बाद कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी एक चैप्टर था, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट भी एक चैप्टर था, कंपनीज एक्ट में अलग अलग चैप्टर थे, इनकॉर्पोरेशन, फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन, शेयर कैपिटल, डिवेंचर, प्रॉस्पेक्टस, अलॉटमेंट ऑफ शेयर, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, चैप्टर्स। चैप्टर्स मतलब क्या? ग्रुप ऑफ सेक्शन प्रोवाइडिंग अबाउट सेम थिंग, एक ही चीज के बारे में बोल रहे हैं, प्रोवाइडिंग अबाउट सेम थिंग इज कॉल्ड एज चैप्टर।
समझ में आ रहा है? चैप्टर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्शंस, सेक्शंस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू क्लॉजेस, क्लॉजेस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सब क्लॉजेस। और हर इसके साथ में, मतलब ये जितने भी क्लॉजेस सब क्लॉजेस सेक्शन है, इसके साथ में एक चीज हम नॉर्मली ऐड करते हैं जिसे कहते हैं प्रोविजो। कभी सुना है प्रोविजो? सर प्रोविजो सुना है पर ना सर एक्चुअली ना सर एक्चुअली नहीं पता क्या होता है प्रोविजो। आपने पढ़ा है पर आपको हिट नहीं हो रहा। जो भी सेंटेंस शुरू होता है विद द वर्ड प्रोवाइडेड दैट, कुछ याद आया? प्रोवाइडेड दैट, फिर प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, या जो भी स्टार्ट होता है विद प्रोवाइडेड फर्दर दैट ऑल्सो दैट, इसके साथ जो शुरू होता है हम उसे कहते हैं प्रोविजोस। तो एक पहला प्रोविजो सिंगल प्रोविजो प्रोवाइडेड दैट, दूसरा है प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, तीसरा है प्रोवाइडेड फर्दर दैट, और है प्रोवाइडेड ऑल्सो फर्दर फर्दर ऑल्सो, खेलते रहो। इसे हम कहते हैं प्रोविजो। प्रोविजो का नॉर्मल काम होता है कुछ क्लैरिफाई करना या कोई एक्सेप्शन क्रिएट करना। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना? ये चीज को आपने याद रखना चाहिए। सो ये हो गया तीसरा चैप्टर्स। चैप्टर्स के बाद नेक्स्ट चीज आप जो पढ़ते हो लंबा जा रहा है चार्ट, मैंने पहले ही बोला था थोड़ा सा डीप चार्ट है, लेकिन आपको पता समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा, आई होप सो। मैं तो यहां अकेला स्टूडियो में, मैं और मेरी तन्हाई स्टूडियो में लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं तुम और तुम्हारी तन्हाई इसको पढ़ रहे हो, लेकिन टेलीपैथी आ रही है मेरे को, ठीक है। सो नेक्स्ट चीज जो आती है वो है बच्चों एक्सेप्शन। क्या है बच्चों? एक्सेप्शन। और जैसे हमने डेफिनेशन के पहले कैटेगरी को दो पार्ट में डिवाइड किया था, वैसे भी एक्सेप्शन दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। दो टाइप के एक्सेप्शन होते हैं, एक होता है एक्ट बेस्ड एक्सेप्शन और दूसरा होता है सेक्शन बेस्ड एक्सेप्शन। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम, ये पूरा एग्रीकल्चरल इनकम पूरे इनकम टैक्स में एग्जम्प्ट है। पूरे इनकम टैक्स एक्ट में क्या है बोले एक बार, जो से एग्जम्प्ट। समझ में आ रहा है? ये एक्ट बेस्ड एक्सेप्शन हुआ, कहीं इनकम टैक्स में नहीं होता। लेकिन अगर मैं बोलूं पहले LTCG था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, आपने सुना होगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो शेयर्स के ऊपर पहले था, शेयर्स इज एग्जम्प्ट, ऐसा बोला जाता था, ये सेक्शन बेस्ड एग्जम्प्शन हुआ। कॉन्सेप्ट समझ में आए? तो एग्जम्प्शन दो टाइप के हो सकते हैं, एक्सेप्शन बोले एग्जम्प्शन बोले, दो टाइप के होते हैं। कई सारे बच्चों को एक्सेप्शन एग्जम्प्शन के बीच का डिफरेंस समझ में नहीं आता, आगे हम इसको जरूर डिस्कस करेंगे जहां पे भी ये दोनों चीजें एक साथ आएगी, पर करेंगे जरूर, आने वाली है एक दो जगह पे, लेकिन इस चीज को याद रखना। फिलहाल हम इसको एग्जम्प्शन एक्सेप्शन कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिलहाल, लेकिन आगे जब मैं डिफाइन करूंगा तो इसको याद रखना। ये हो गया एग्जम्प्शन एक्सेप्शन। एग्जम्प्शन एक्सेप्शन के बाद में जो अगली चीज आती है, रेड कलर में मैं इसको लिखने वाला हूं क्योंकि ये रेड कलर की ही चीज है। लाइन मार लू पहले थोड़ा, हाँ। सो ये रेड कलर वाली ही, सर कितना लंबा चार्ट ड्रॉ कर रहे हो, क्या करूं बेटा, सीए फाइनल पे है, ऑप्शन नहीं है जिंदगी में, पढ़ना तो पड़ेगा। रेड कलर के ऊपर ये चीज आती है जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रावेंशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस। सो हम अभी डिफाइन कर रहे हैं कि क्या कॉन्ट्रावेंशन होता है और क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। पहला वर्ड तो व्हाट इज कॉन्ट्रावेंशन। कॉन्ट्रावेंशन का सिंपल मतलब होता है बच्चों, बहुत अच्छे से ध्यान देना, अ डिफॉल्ट इन प्रोसेस ऑफ लॉ और डूइंग थिंग अगेंस्ट लॉ और इलीगल इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रावेंशन। डिफॉल्ट कर दिया, लॉ के अगेंस्ट कोई चीज कर दिया, इलीगल चीज कर दिया, कॉन्ट्रावेंशन। कॉन्ट्रावेंशन हम इसको बोलते हैं, इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस अगर मैं आपको बताऊं बच्चों, तो कॉन्सिक्वेंसेस आपके साथ हो सकते हैं दो तीन टाइप के। पहला कॉन्सिक्वेंस आपको होता है डैमेजेस, दूसरा कॉन्सिक्वेंस आपको होता है फाइन,
तीसरा कॉन्सिक्वेंस होता है पेनल्टी, और चौथा कॉन्सिक्वेंस होता है जेल। डैमेजेस मतलब, डैमेजेस मतलब अगर आपने कुछ गलत सलत कर दिया किसी पार्टी को, अगर हो गया डैमेज, ठीक है, तुमने प्रोस्पेक्टस के अंदर फॉल्स स्टेटमेंट दिया, कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया वो फॉल्स स्टेटमेंट के भरोसे पे, उनको हो गया डैमेज, प्रोस्पेक्टस चैप्टर में सीए इंटर में तुमने पढ़ा होगा जिंदगी के अंदर, तो डैमेज हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में डैमेजेस ये जाते हैं एग्रीड पार्टी को, एग्रीड पार्टी। फाइन इज फॉर नॉन कंप्लायंस, अगर नॉन कंप्लायंस है तो फाइन लगता है, जैसे रिटर्न फाइल करना चाहिए था 30 डेज के अंदर, नहीं फाइल किया, फाइन लगेगा, क्लियर है, फाइन लगेगा, 10 दिन का एक्स्ट्रा फाइन, 10 दिन का एक्स्ट्रा फीस, फाइन लगेगा, नॉन कंप्लायंस के लिए फाइन लगता है, ठीक है, विच इज फॉर नॉर्मली डीले एक्सेट्रा, समझ में आ रहा है। फिर आता है पेनल्टी, पेनल्टी के अंदर बेसिकली डैमेजेस भी आते हैं, फाइन भी आ सकता है, एंड ओवर एंड अबव एक ओवर एंड अबव एक कोर्सिव अमाउंट आपको देना पड़ता है, कोर्सिव अमाउंट जो आपके ऊपर कोर्शन है ऐसा अमाउंट, क्योंकि आपने गलती की है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना, सो देर इज एन अमाउंट विच इज अ पीनल अमाउंट, टू टीच यू कि ऐसी हरकतें जिंदगी में नहीं करनी चाहिए, इसे हम कहते हैं बच्चों पेनल्टी। पेनल्टी हमेशा जाती है गवर्नमेंट को, फाइन भी हमेशा जाता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट का जो भी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट होगा उसको, क्लियर है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, यहां पे भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को। और देखो डैमेजेस जाती है एग्रीड पर्सन को, डैमेजेस जाते हैं एग्रीड पर्सन को, फाइन जाता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, पेनल्टी जाती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, डैमेजेस एग्रीड पर्सन, फाइन पेनल्टी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और बंदा जाता है जेल में, अ पर्सन इन डिफॉल्ट विल गो इन जेल। कंसेप्ट समझ में आ रहा है, इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रावेंशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस, क्लियर है कंसेप्ट सबको, हाँ है ना। कॉन्ट्रावेंशन कॉन्सिक्वेंसेस समझ में आ गया तो फिर उसके बाद सर क्या आता है कॉन्ट्रावेंशन कॉन्सिक्वेंस, लंबी चौड़ी लाइन बना के रखे हो क्या क्या ऐड करने वाले हो सर और कब खत्म होगा ये, टेंशन मत लो बच्चों, समझना जरूरी है। फिर अगली चीज आती है बच्चों अपील्स, आपके ऊपर कॉन्ट्रावेंशन कॉन्सिक्वेंस लगा दिया, आपके ऊपर पेनल्टी ठोक दिया, लेकिन आपको अगर पता नहीं, आपको लगता है कि आप ने कोई गुनाह नहीं किया, आप इनोसेंट हो, इनोसेंट, आपने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया, आप इनोसेंट हो, निष्पाप हो, तो ऐसे सिचुएशन में अपील आप कर सकते हो, ठीक है। अपील्स के अंदर अलग अलग प्रोसीडिंग्स आते हैं बच्चों, इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से समझना, ये बहुत डिफिकल्ट है। अपील्स के अंदर ना अलग अलग प्रोसीजर्स आती है, लाइन हमेशा सीधी मारनी चाहिए, ठीक है, बनाए रखना, मैं स्टूडियो से रिकॉर्ड कर रहा हूं, तुम उधर डोलना मत लगे नागवा जैसे कि डोलना शुरू मत कर देना, ध्यान देना बोर्ड के ऊपर। अपील, अपील के अंदर सबसे पहला आता है कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग मींस सेटलमेंट विद द गवर्नमेंट, सेटलमेंट विद गवर्नमेंट, खैर गवर्नमेंट को सरेंडर कर दो, खुद की गलती हुई है मान लो, गवर्नमेंट आपकी पेनल्टी कम कर सकती है, हो सकता है। दूसरा इम्यूनिटी, इम्यूनिटी मतलब आपको मिल जाएगा सेफ पास, सेफ पास मतलब गवर्नमेंट आपके खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग नहीं करेगी, या गवर्नमेंट आपको लिख के देगी किसी भी हाल में, इम्यून हो गया आप, कुछ नहीं हो सकता आपके खिलाफ। और तीसरा हो सकता है प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन एसई शायद, स्पेलिंग की तरफ ध्यान मत देना, मेरी स्पेलिंग बहुत खतरनाक है माशाल्लाह एकदम, जैसे यूएस इंग्लिश होता है, यूके इंग्लिश होता है, वैसे डीके इंग्लिश भी होता है, क्लियर है, तो स्पेलिंग इधर उधर भी भटक सकते हैं, टेंशन मत लेना, ठीक है। मतलब सीए फाइनल लेवल पे तो ऐसा सिचुएशन था कि सभी बच्चे सिलेबस पढ़ रहे थे, मैं स्पेलिंग्स पढ़ रहा था, कि सिलेबस तो ठीक है याद हो गया, स्पेलिंग्स याद करना जरूरी है जिंदगी के अंदर। सो प्रो मेरे को कभी याद ही नहीं रहे, बिकॉज जिस चीज का लॉजिक समझ में नहीं आता उसको याद क्या रखेंगे, स्पेलिंग के पीछे क्या लॉजिक है, हाँ से इतना पता है ग्रीक लैटिन से बनाया, पर कभी स्कूल में पढ़ा, एनीवे छोड़ो, आगे ध्यान देना किधर भसक गया अपन। प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन मतलब तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो अगर तारीख मिल रही है सिर्फ तो
और हर प्रोसिक्यूशन करने के लिए एवरी लॉ हैव सेपरेट जुडिशियल अथॉरिटी, सेपरेट जुडिशियल अथॉरिटीज. हर लॉ में सेपरेट जुडिशियल अथॉरिटी होती है बेटा. जैसे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की अपील अलग से एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होगी, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर होगा. उसके बाद में पीएमएल एक्ट में पिमलैक, पीएम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अपीलेट ट्रिब्यूनल. आप इनकम टैक्स देख लो, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, असेसिंग ऑफिसर्स. तो हर लॉ में खुद का एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होता है, सेपरेट जुडिशियल अथॉरिटी, इसलिए प्रोसिक्यूशन अलग से. कंसेप्ट समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो ये सर ना. ये चीज होने के बाद में लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्ट के अंदर सबसे एंड में जो चीज लिखी जाती है उसे हम कहते हैं शेड्यूल्स. सबसे एंड में जो चीज लिखी जाती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? शेड्यूल्स. और कंपनीज एक्ट में आपने देखा होगा कितने शेड्यूल है, कितने शेड्यूल है कंपनीज एक्ट में. सर सर फाइव सर, बोलो बोलो, आ रहा है टेलीपैथी आ रहा है. फाइव सर, सर 15, सर 6, आ रहा है टेलीपैथी आ रहा है मेरे को समझ में आ रहा है तुम क्या सोच. सर 10, सर बहुत सारे है कुछ बच्चे से, बहुत सारे, बहुत बढ़िया, शानदार, नलायक, सस्ते नशे. सो शेड्यूल्स, ये कंपनीज एक्ट, जैसे कंपनीज एक्ट 2013 में 7 शेड्यूल्स है. शेड्यूल्स के नाम याद है क्या? 7 शेड्यूल्स के हाँ बिल्कुल याद नहीं हो सर. वो ना सर, सर 3 साल हो गए सर, 2 साल हो गए पास किए, कोई नहीं, कोई याद रखे नायको. कंपनीज एक्ट शुरू होने दो, इकोनॉमिक लॉ होने के बाद में पहले 2 लेक्चर कंपनीज एक्ट में सिर्फ बेसिक चलने वाला है, ये सब शेड्यूल फेड्यूल याद करके रहेंगे. सो शेड्यूल, शेड्यूल में नॉर्मली क्या बोला जाता है? 2-3 चीजें. पहला, शेड्यूल में हमें एक तो लिस्ट्स दी जाती है, अलग अलग टाइप की लिस्ट, जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर सेक्शन 135 एक्सपेंडिचर कौन कौन से एरियाज में कर सकते हैं, ये एक लिस्ट है. दूसरा, शेड्यूल्स के अंदर हमें फॉर्मेट्स दिए जाते हैं और शेड्यूल्स के अंदर हमें एडिशनल प्रोविजंस दी जाती है. एडिशनल प्रोविजन जो अगर हम सेक्शन में लिखेंगे तो सेक्शन इतना बड़ा हो जाएगा कि पढ़ने की इच्छा ही नहीं होगी, और जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जिसे हम एडिशनल प्रोविजन कहते हैं. जैसे शेड्यूल 5 में अगर आपको डायरेक्टर बनना है एग्जीक्यूटिव तो एडिशनल प्रोविजंस देके रखे. ये है आपका लॉ का कंटेंट जो आपको पता होना चाहिए. ये चार्ट में सीए इंटर पे ही ड्रॉ करके देता हूं, लेकिन अब सीए फाइनल पे आप नए आए हो ना तो कैसा, मुझसे पढ़े हो नहीं पढ़े हो मुझे नहीं पता, तो मुझे बताना तो जरूरी है. और जिन्होंने मुझसे पढ़े भी है वो कौन से खतरनाक मेमोरी वाले हैं, वो भी भूल गए होंगे, गजनी से तो कंपटीशन है अपनी. सो इतना बड़ा चार्ट है, कैसे लिखोगे? 2 पेजेस जॉइंट, 2 पेजेस ले लो, ठीक है? अगर पेज आधा उधरा बाकी है छोड़ दो, 2 जॉइंट पेजेस लो, 2 जॉइंट पेजेस के ऊपर आड़ा करके इसको लिखना. इतना बड़ा इसका साइज है, एक साइड में 3-4 कंटेंट, दूसरे साइड में 3-4. पहले इसमें आप 3 ही कंटेंट लो क्योंकि पहले 3 कंटेंट बढ़े, दूसरे इसमें बचे हुए 4 कंटेंट्स लेना. क्लियर है कंसेप्ट? और ये 200 पेजेस की बुक में लिखना है, पहले 30 पेजेस जो ब्लैंक है उसमें नहीं करना है. ये 200 पेजेस के बुक के जहां आपका चल रहा है नॉर्मल लिख राइटिंग वही करना है. अब जब तक मैं 30 पेजेस ना बोलूं तब तक क्या आपने वही करना है जहां आप राइटिंग कर रहे हो, कंसिस्टेंटली उसी को फील करना है. जब मैं स्पेसिफिकली बोलूंगा ये 30 पेजेस में, उसी 30 पेजेस में लिखना. क्लियर है? चलो 100 पेजेस की बुक को छूना मत फिलहाल, ठीक है? चलो स्टार्ट करो, गो फॉर इट फास्ट. मैं गायब हो जाता हूं.
पहले ऊपर ऊपर का सब लिख लीजिए, फिर नीचे मैं ड्रैग करूँगा तो नीचे का कंटेंट भी लिख लेंगे, या जिनको अभी दिख रहा है उतना आप लिख सकते हो साइड साथ में। अगर कोई मिसमैच होता है तो आप पॉज करके भी लिख सकते हो। लिखो फटाफट, हो गया क्या? जा लगा।
quotes. डन, किसी का रह कर जा रहा है तो पॉज करके लिख लीजिएगा बच्चों, समझना बहुत मुश्किल है, बच्चे सामने नहीं है। श्योर, डन एवरीबडी, लिख लिया सबने? डन, ओके, सो आई गेस आपका लिखना हो गया होगा सब। जिसका नहीं हुआ पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए और वापस इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। सो यहां पे हमारा बेसिक डिस्कशन हो गया है दो चार्ट्स के। पहला चार्ट था व्हाट इज लॉ ऑफ लैंड, दूसरा चार्ट था एक्ट के डिविजन्स क्या होते हैं। अब मैं जा रहा हूं तीसरे कंटेंट के ऊपर जो हमें लेना है कि कोई भी जागो जिंदगी में, जागो ग्राहक जागो, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट कर रहा, मुंडी उंडी झटको, स्ट्रेट बैठो, कॉन्सेंट्रेट करो डबल ट्रिपल बोर्ड पे, ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्वारंटीन में है तो क्या हुआ, ठीक है, जिंदगी झंड है तो क्या हुआ, हमको पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है, घर के अंदर बंद करके रखा है कैसे होगा, इन्हीं में मत याद दिलाओ आगे। सो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। सो वी आर थिंकिंग अबाउट हाउ टू स्टार्ट अ लॉ, किसी भी लॉ को किस तरीके से स्टार्ट किया जा सकता है, मतलब कोई भी लॉ पढ़ने के पहले आपको कितने चीजों का ज्ञान होना जरूरी है, ये हम इसके अंदर देखेंगे। कोई भी लॉ अगर आपको स्टार्ट करना है बेटा, तो उस लॉ के पहले उसकी चार चीजों का अंदाजा लगाया होना चाहिए, उसकी चार चीजें आपने फिनिश करके रखी हुई होनी चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि इतने सारे लॉस पड़े हैं,
पहले कुछ स्टार्टिंग में मैंने लॉस पढ़े थे वो इतने डिफिकल्ट जाते थे क्योंकि ये चार चीजें मैंने नहीं की थी। कोई भी लॉ पढ़ने के पहले आपने पढ़ना चाहिए उस लॉ का हिस्ट्री। हिस्ट्री विल अल्टीमेटली गिव यू गाइडेंस। हिस्ट्री विल अल्टीमेटली टेल यू व्हाट इज अ सिचुएशन इन विच अ लॉ इज मेड। हिस्ट्री विल टेल यू द सिचुएशन ऑफ लॉ, व्हाई इट इज मेड एंड व्हाट इज द स्कोप ऑफ लॉ। What is the scope of law? इस law का scope क्या है यह आपको history बताएगा। History से law पढ़ने का आसानी हो जाती है क्योंकि आप एक mindset लेके law के अंदर घुसते हो कि नहीं ये चीज मेरे को पता है कि ये क्यों की गई होगी। अगर आपको भोपाल गैस ट्रेजेडी पता होगा तो भोपाल गैस प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट ये आपको पता होगा। अगर आपको पार्लियामेंट्री अटैक पता होंगे, टेररिज्म के अटैक पता होंगे तो आपको टेररिज्म एक्ट समझने में आसानी होगी। ये बहुत सिंपल है, हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है। हिस्ट्री होने के बाद सेकेंड चीज जो आपने पढ़नी चाहिए वो है उस लॉ का अथॉरिटी स्ट्रक्चर। सॉरी हिस्ट्री के बाद माय मिस्टेक, अथॉरिटी स्ट्रक्चर नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, सर व्हाट डू यू मीन कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है? एक एग्जांपल लेते हैं तो समझ में आएगा। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल There is some guy, समझो कोई इंसान है एक जिसका नाम है संदीप। इसने कंपनी बनाई सांडा लिमिटेड, सांड्या लिमिटेड। ठीक है, संदीप ने कंपनी बनाई सांडा लिमिटेड। ठीक है, अब बेसिकली संदीप को ना प्रॉफिट की बहुत जरूरत थी लेकिन कंपनी में प्रॉफिट आ नहीं रहा था तो इसने डिसाइड किया मैं फ्रॉड करूंगा। फिर संदीप ने फ्रॉड कर दिया और इंडिया में तो फ्रॉड ऐसे छोटे मोटे कर नहीं सकते ना, कम से कम 10,000 के करोड़ के फ्रॉड होने चाहिए नहीं तो इज्जत ही नहीं रहती। एक्चुअली आपको पता है वो पंजाब नेशनल बैंक का जब 11,000 करोड़ वाला फ्रॉड हुआ था तब आई गेस ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में 200-250 करोड़ का फ्रॉड हुआ था। पूरा मीडिया चैनल पंजाब नेशनल बैंक के पीछे लगा था। इधर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स वालों ने बोला अरे इधर आओ हमारे यहां पे भी फ्रॉड हुआ है। मीडिया पूछते कितना कितना, तो बोले 200 करोड़। बोले तुच्छ हड़ तुच्छ, ये कोई फ्रॉड है 200-250 करोड़, शर्म नहीं आती इतना सा फ्रॉड करते। किसी ने वो न्यूज को कवर तक नहीं किया। तो सांडा ने किया फ्रॉड 15,000-20,000 करोड़ का, हाउ बोले इससे कम तो करूंगा नहीं। और फ्रॉड करके सांडा ये अपने मस्त ऑफिस में चिल बैठा हुआ है, अपने केबिन में बैठा हुआ है सेक्रेटरी के साथ, मतलब बैठा है काम की चीजें डिस्कस कर, तुम गलत मत सोचो। ठीक है, तो फिर सीधा सीधा दीदी जी आ गई, इसने फ्रॉड किया। दीदी दीदी तो पता है तुमको, निर्मला सीतारामन जी दीदी। निर्मला सीतारामन जी दीदी सीबीआई को लेके सांडा लिमिटेड में आई। सिक्योरिटी गार्ड ने आपको पूछा आप कौन दीदी, दीदी बोले मैं फ्रॉड चेक करने के लिए आई हूं। सिक्योरिटी गार्ड बोलता है लेटर दिखाओ इन्वेस्टिगेशन का, दीदी बोले नहीं लाया। सिक्योरिटी गार्ड बोलता है ऐसा कैसा चलेगा दीदी, लेटर लगेगा इन्वेस्टिगेशन सर्च सीजर का। दीदी लेटर लेके आई, अंदर घुसे कैबिन बंद था, सांडा सेक्रेटरी के साथ लगा हुआ था, मतलब काम कर रहा था पढ़ रहा था। इन्होंने दरवाजा खटखटाया, सांडा ने दरवाजा नहीं खोला। इन्होंने और खटखटाया, उसने मतलब लेट तो होता ही है ना, मतलब काम चल रहा है तो लेट तो होता ही है। तो फिर थोड़ी देर बाद आवाज आई दया दरवाजा तोड़ दो। दीदी ने दया को लाया था, दया ने दरवाजा तोड़ा, सांडा एकदम संभला, कोट सूट पहना, मतलब कपड़े बाकी सब, अरे तुम अच्छा सोचो जिंदगी के अंदर। ठीक है, मतलब कोट ऊपर से पहना, बाकी तो अंदर कोट के अंदर तो कपड़े पहनती है ना सब लोग। बोले क्या हुआ, तो दीदी आती है, दीदी बोलती है क्या कर दिया। बोले क्या किया, तो बोले फ्रॉड कर दिया। तो बोले हाँ किया, क्या प्रॉब्लम है। बोले कितना, बोले 15,000 करोड़ का फ्रॉड किया। चलो बोले तुमको पेनाल्टी लगाऊंगी, जेल लगाऊंगी। सांडा बोलता है कौन सी पेनाल्टी, कौन सी जेल, काई की जेल, काई की पेनाल्टी। दीदी बोलती है पेनाल्टी और जेल तुमको लगेगी कंपनीज एक्ट में, तुमको कंपनीज एक्ट में पेनाल्टी जेल लगेगा। सांडा बोलता है माना कंपनीज एक्ट में पेनाल्टी और जेल बोला है, लेकिन मुझे कंपनीज एक्ट लगता है ये कहां बोला है, मेरे कंपनी को कंपनी एक्ट लगता है ये कहां बोला है, क्यों मैं तुम्हारा लॉ फॉलो करूं, नहीं फॉलो करना मुझे लॉ, मैं कल मेरा खुद का लॉ बनाऊंगा। सांडा बोल रहा है मैं कल खुद का मेरा लॉ बनाऊंगा, सांडा कंपनीज एक्ट, सांडा कॉरपोरेशन एक्ट चलेगा क्या, ऐसा हो सकता है? कहां लिखा है कि इंडिया में जितने तमाम लॉज है जो आप फॉलो कर रहे हो आपको लगते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल रेगुलेशन लॉ, इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट, कहां लिखा है तुमको एप्लीकेबल होता है, कहां लिखा है कि तुमने लाइसेंस लेना चाहिए,
कहां लिखा है कि अगर इंडियन मोटर एक्ट तो व्हीकल एक्ट तुमको अप्लीकेबल नहीं होता, तुमको सिग्नल लाइसेंस ये सब चीजें अप्लीकेबल ही नहीं होगी, कहां लिखा है ये तुम्हें अप्लीकेबल होता है? तो बच्चों ये लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का इफ आई एम नॉट रॉन्ग आर्टिकल नंबर 14 से लेके एग्जैक्टली नहीं पता बट बोल सकता हूं आर्टिकल नंबर 14 से लेके इफ आई एम नॉट रॉन्ग 21 तक इट स्पीक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड अप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉज टू एवरी इंडिपेंडेंट पर्सन इन इंडिया एंड अ पर्सन हु इज इन विद इन द टेरिटोरीज ऑफ इंडिया, मतलब बाहर का भी पर्सन अगर इंडिया के टेरिटोरी में है तो उसको इंडिया के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है और कॉन्स्टिट्यूशन आपको अप्लीकेबल है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है। अगर आपको आप बोल रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन मुझे क्यों अप्लीकेबल है, तो फिर इस देश में मत रहो, बाहर निकल जाना पड़ेगा जिंदगी के अंदर, जो सही नहीं है। क्लियर? सो ये चीज को आपने याद रखना। अब हर लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी में हमने क्या ढूंढना है, हमने देखना है कि भैया ये यूनियन लिस्ट या ये कॉन्करेंट लिस्ट, हमारे सिलेबस में स्टेट लिस्ट वाले तो लॉ नहीं है, तो यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट का ये कौन सा एंट्री नंबर है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला लॉ अप्लीकेबल होगा जो पार्लियामेंट में पास होगा और पार्लियामेंट वही लॉ पास कर सकती है जो एंट्री लिस्ट में लिखा हुआ है। हमने देखा था ये कल के लेक्चर में ऑलरेडी, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? तो ये चीज को आपको अच्छे से याद रखना जरूरी है। सो फर्स्ट चीज हिस्ट्री, सेकंड चीज कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, फिर उसके बाद में थर्ड चीज जो आपने पढ़नी चाहिए वो है अथॉरिटी स्ट्रक्चर। अथॉरिटी स्ट्रक्चर, व्हाट डू यू मीन बाय अथॉरिटी स्ट्रक्चर? अथॉरिटी स्ट्रक्चर मींस हर लॉ का एक अथॉरिटी होता है, ये चीज को आप थोड़ा सा सीरियसली सुनना। लॉ ड्राफ्ट करना इज जस्ट 5% ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड, व्हाट इज इंटेंडेड, उसका सिर्फ 5% लॉ ड्राफ्ट करना होता है। पार्लियामेंट ने लॉ पास कर लिया इसका मतलब ये नहीं कि काम हो गया, पार्लियामेंट ने लॉ पास कर लिया लेकिन अगर अथॉरिटी ही नहीं है तो इंप्लीमेंट कौन करेगा? लेट्स इमेजिन जब आप ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होते हो और ट्रैफिक सिग्नल पे अगर मामू नहीं है तो लोग ट्रैफिक सिग्नल तोड़ेंगे, अगर ट्रैफिक सिग्नल पे ट्रैफिक पुलिस नहीं है तो लोग ट्रैफिक सिग्नल तोड़ेंगे, अगर असेसिंग ऑफिसर नहीं है लोग कम इनकम टैक्स भरेंगे, लोगों को तो खुद को बचाना चाहते हैं ना, देश का चाहे कुछ भी हो, तो इसलिए अथॉरिटी बहुत जरूरी है जो इस लॉ को इंप्लीमेंट करेगी। ट्रैफिक पुलिस जरूरी है, असेसिंग ऑफिसर जरूरी है। सो हर लॉ में अथॉरिटी होता है और हर लॉ में अथॉरिटी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है बच्चों, नियरली हर लॉ में 99% केसेस में बोल रहा हूं नॉर्मली, अब कुछ अथॉरिटेटिव लॉ है उसमें ये नहीं होगा पर 99% केसेस में अथॉरिटी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है। एक होता है बेटा एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी और दूसरा होता है जुडिशियल अथॉरिटी जिसको हम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी भी बोलते हैं, एडजुडिकेशन अथॉरिटी। जैसे अगर आपको शायद नहीं पता तो इनकम टैक्स के साथ हम थोड़ा समझते क्योंकि इनकम टैक्स आपने कई बार पढ़ा और उसकी अथॉरिटी और अपील्स भी पड़ी होगी, भले ही कंपनीज एक्ट की एक आध बार छूट गई होगी पर इनकम टैक्स की हुई होगी, इसलिए इनकम टैक्स में एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जिसके अंदर आता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी इज एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी, यह एडमिनिस्ट्रेशन करता है। जुडिशियल और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज हां सीबीडीटी के नीचे असेसिंग ऑफिसर भी कई बार एडमिनिस्ट्रेशन के काम करते ही है। जुडिशियल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में असेसिंग ऑफिसर्स, उसके ऊपर सीआईटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, उसके ऊपर सीसीआईटी चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, उसके ऊपर आईटीएटी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, उसके ऊपर हाई कोर्ट और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट, ये सब जुडिशियल है क्योंकि यहां जुडिशियल ही होता है, जजमेंट होता है, केसेस डिस्कस किए जाते हैं, केस हुए बगैर जजमेंट कैसे देंगे, जुडिशियल कैसे बनोगे। सो हर लॉ में ये स्ट्रक्चर होता है, हर लॉ का खुद का ट्रिब्यूनल, जैसे इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, फेमैट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल, पिमलैट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अपीलेट ट्रिब्यूनल, हर लॉ में खुद का एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होता है। सो अथॉरिटी स्ट्रक्चर हर लॉ में पढ़ना जरूरी है कंपल्सरली, उसके लिए सिवा आपने लॉ शुरू ही नहीं करना चाहिए। मेरे को मतलब मैं अभी आपको एक सवाल पूछता हूं, जरा सोचना व्हाट इज अथॉरिटी स्ट्रक्चर ऑफ कंपनीज एक्ट, सोचो जरा। इनकम टैक्स का तो मैंने बोल दिया, व्हाट इज अथॉरिटी स्ट्रक्चर ऑफ कंपनीज एक्ट, मैं बोलता हूं 80% स्टूडेंट्स को, 90% इफ आई एम नॉट रॉन्ग स्टूडेंट को पता ही नहीं होगा ये क्या है। इंटर में जो मुझसे पढ़े शायद उनको जरूर पता होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर जुडिशियल स्ट्रक्चर क्या है, हालांकि वो भी भूल गए होंगे मेरे को ऐसा लगता। लेकिन क्या मतलब आप सोचो आपको अथॉरिटी स्ट्रक्चर नहीं पता और आपने पूरा कंपनीज एक्ट के 148 सेक्शन पढ़ लिए, व्हाट इज, ऐसा कौन पढ़ता है लॉ? इसलिए आपको लॉ डिफिकल्ट जाता है क्योंकि आप पढ़ते ऐसे हो बच्चों।
सो व्हाट इज रिक्वायर्ड कि ये चार चीजें पढ़ के लॉ पढ़ो ना, तो जहां पे भी अथॉरिटी का रेफरेंस आएगा, इसके पहले आरओसी का रेफरेंस आता था कंपनीज एक्ट में, तुम ऐसे पढ़ लेते थे कि आरओसी है, अरे पर क्या है आरओसी? एडमिनिस्ट्रेशन है, जुडिशियल है, क्या है, किसके नीचे किसके ऊपर है, क्या है? अगर आपको अथॉरिटी स्ट्रक्चर पता है और जब पता है आरओसी, तो समझ में आएगा नहीं आरओसी ये अथॉरिटी है, ऐसा काम करती है। इससे लॉ में इंटरेस्ट एक्चुअली इंक्रीज होता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट सबको? हाँ ना, ये चीज को याद रखना। हम हर एक लॉ का अथॉरिटी स्ट्रक्चर तोड़ फोड़ के देखेंगे क्योंकि हम इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। और फिर उसके बाद में चौथी चीज जो लॉ शुरू करने के पहले ही आपने हाथ में लेनी चाहिए, चैप्टर स्ट्रक्चर। चैप्टर स्ट्रक्चर, हर लॉ का चैप्टर स्ट्रक्चर पढ़ना है, जिसके अंदर आपने ऐसा लिस्ट रेडी रखना है, अगर हो सके तो नेम ऑफ चैप्टर और उसका स्टार्टिंग सेक्शन और उसका एंडिंग सेक्शन, ये आपको रेडी रखना है। स्टार्टिंग सेक्शन, एंडिंग सेक्शन, इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि भाई ये सेक्शन से ये सेक्शन ये चैप्टर है। तो जब पढ़ोगे तो पता चलेगा, अच्छा ये सेक्शन इस चैप्टर से बिलोंग करता है, ये सेक्शन इस चैप्टर से बिलोंग करता है। आपने कंपनीज एक्ट में चैप्टर आपको कितने थे पता है? 10 चैप्टर्स थे। 10 चैप्टर फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन सेक्शन नंबर 3 से लेकर, पहला चैप्टर प्रिलिमिनरी 1 एंड 2 फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन सेक्शन 3 से लेकर 22, उसके बाद में प्रॉस्पेक्टस अलॉटमेंट ऑफ शेयर 23 से लेकर 72, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स 23 से लेकर 42, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स 43 से लेकर 72, डिपॉजिट 73 से लेकर 76, चार्जेस 77 से लेकर 87, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन 88 से 122, डिविडेंड 123 से लेकर 127, 128 से लेके 138, अकाउंट्स 139 से लेके 148, ऑडिट। इस तरीके से 10 चैप्टर्स आपको एप्लीकेबल थे, लेकिन आपने कभी याद ही नहीं किया स्टार्टिंग सेक्शन एंडिंग सेक्शन। सेक्शन याद करने के लिए ना आपको स्टार्टिंग एंडिंग जरूर याद होना चाहिए, तो सेक्शन आराम से याद होंगे। हम कंपनीज एक्ट में सभी याद करने की कोशिश करेंगे सेक्शन, और आई विल गारंटी यू कि 90% सेक्शन आपके टंग पे रहेंगे, दैट इज फॉर श्योर। इंटर में भी ये करता हूं, फाइनल पे भी 10 साल से करते आ रहा हूं, आपके साथ भी यही होगा। नेम ऑफ द चैप्टर, स्टार्टिंग सेक्शन, एंडिंग सेक्शन, ये लिस्ट बनना चाहिए आपका, ये पूरा लिस्ट आपका रेडी होना चाहिए। फिर आपको पता चलेगा कि कौन से एरिया से कौन सा सेक्शन उठाया गया है। दिस इज अ वे टू स्टार्ट अ लॉ, दिस इज अ वे टू स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द लॉ। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। तो मैं चाहूंगा ये भी चार्ट को लिख के रखो, मैं आपको समय देता हूं, गो फॉर इट फास्ट। हम हर लॉ के साथ ये करने वाले हैं, हर लॉ के साथ, और ये आप करोगे। मैंने आपको तरीका बोल दिया, ये आप करने वाले हो, ठीक है? लिख लो इसको।
चलो हो गया सबका, अंडरस्टूड एवरीबॉडी? सो यहां पे मैंने बेसिक्स कवर कर लिए हैं पूरे के पूरे जो मुझे कवर करने चाहिए थे, ठीक है? और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग ब्रेक ले लीजिए 10 मिनट का, फिर उसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट वाले सेशन के साथ जिसमें हम शुरू करेंगे इकोनॉमिक लॉ, ठीक है? सो ब्रेक ले लीजिए. दस मिनट का ब्रेक.
ओके चलो स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, ध्यान देना ठीक है। सो आफ्टर द ब्रेक वी आर मूविंग टूवर्ड्स, जैसे मैंने आपको बोला था हमारा फर्स्ट टॉपिक दैट इज कौन सा है, बोले एक बार जो है इकोनॉमिक लॉ, और इकोनॉमिक लॉ के बाद आज हम इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे फेमा का ठीक है। सो आ जाइए, लेट्स स्टार्ट विद द पीपीटी। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द इकोनॉमिक लॉ, और सबसे पहले इकोनॉमिक लॉ शुरू करने के पहले मुझे ऐसा लगता है जो चीज आपने याद करनी चाहिए वो है इकोनॉमिक लॉ के एक्ट और उनके ईयर्स एटलीस्ट ठीक है। सीए इंटरमीडिएट पे नियरली आपने कंपनीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जनरल क्लॉजेस, ये चार लॉज आपने पढ़े थे, साथ में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। फाउंडेशन पे आपने नियरली एसीपीटी में तीन लॉस पढ़े थे। बहुत सारे बच्चे एक्ट के नाम और उनके ईयर को अवॉइड करते हैं याद करना, लेकिन आज का सबसे पहला टास्क तो हम ये करेंगे एक्ट और ईयर ही याद करेंगे ठीक है। सो हमारे सिलेबस में जो सबसे पहला लॉ आता है ठीक है, मैं इसके आपको लेक्चर नंबर्स भी बताऊंगा किस तरीके से हम कवर करेंगे और किस तरीके से हम इसको समझने वाले ये भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हमको थोड़ा देखना पड़ेगा कि एक्ट और इनके ईयर क्या है। होल्ड पीपीटी, लेट्स गो। सो सबसे पहला एक्ट है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ईयर है 1999। दूसरा लॉ है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। तीसरा है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट, ईयर है 2002। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 एंड आर्बिट्रेशन काउंसिलेशन एक्ट 1996। छह एक्ट हमको इकोनॉमिक लॉ में पढ़ने हैं। कंपनी लॉ के अंदर तीन लॉज जिसके अंदर सिक्योरिटी लॉ इंक्लूडेड है, कंपनीज एक्ट, सेबी और सिकरा, मैंने आपको सिलेबस ऑलरेडी बताया है। अब फेमा के लिए हमको टेंटेटिवली आज से हम शुरू करेंगे, फेमा के लिए हमको आठ लेक्चर्स नॉर्मली लगते हैं, पर अभी तक के मैं डिस्कशंस में क्वेश्चन एयर कवर नहीं करता था और इस बार से मैं क्वेश्चन एयर कवर कर रहा हूं, और थोड़ा पढ़ाने का तरीका भी इस वक्त रिविजन के हिसाब से चेंज होगा, तो टेंटेटिवली एक से डेढ़ लेक्चर आप ज्यादा मान लीजिए जो लगेगा, तो नियरली क्वेश्चन एयर वगैरह के साथ मिला के वी आर होपिंग 9 to 10 लेक्चर्स में फेमा फिनिश होना चाहिए, और फेमा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए हमारा मेजॉरिटी समय इसके ऊपर जाएगा। आईबीसी अगेन सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, नॉर्मली आईबीसी फिनिश करने के लिए मेरे को चार लेक्चर्स लगते हैं, पर इसके अंदर भी हम नियरली एक लेक्चर ऐड करेंगे, और साथ में हाफ लेक्चर में इस बार ज्यादा ऐड कर रहा हूं लेटेस्ट केस स्टडीज वगैरह के हिसाब से, तो नियरली आप ऐसा समझ सकते हो 5 से 6 लेक्चर्स हमको टेंटेटिवली आईबीसी के लिए लग सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। उसके बाद में सर्फेस ईयर के लिए एक लेक्चर लगता था, लेकिन इस बार हमको डेढ़ लेक्चर लगेगा बिकॉज हम इसके क्वेश्चन एयर लेने वाले, काफी छोटा लॉ है सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, इसके लिए मेरे को पहले डेढ़ लेक्चर लगता था, इस बार हम क्वेश्चन के साथ दो लेक्चर्स काउंट करते हैं। फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के लिए तीन लेक्चर्स पहले लगते थे, पर क्वेश्चन एयर वगैरह हमको कवर करना है इस बार, तो मैं 4 से 5 लेक्चर्स एफसीआर के लेना चाहूंगा। आर्बिट्रेशन काउंसिलेशन के लिए 2 से 3 लेक्चर्स लगते हैं, उसको मैं 4 से 5 लेना चाहूंगा, और जैसे मैंने इस बार बोला लेक्चर्स का नंबर थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहेगा क्योंकि हम क्वेश्चन एयर भी कवर कर रहे हैं, रिविजन भी कवर कर रहे हैं। टोटल अगर आप टोटल करो तो 9 और 5 14 15 16 17 21 और 4 नियरली 25 लेक्चर्स के आसपास हमारा पूरा सिलेबस खत्म होना चाहिए, मैक्सिमम बोल रहा हूं 25 ठीक है, उसके अंदर अगर होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना, 25 इसके लिए लगेंगे, और जैसे मैंने 60 लेक्चर्स आपको बोले हैं, 60 या 65 लेक्चर्स क्वेश्चन है और सभी डिस्कशन के साथ हमको लगने वाले हैं, तो 25 लेक्चर हमको इसके लिए लगने वाले हैं, और बचे हुए जो हमारे लेक्चर्स है 35 से 40 लेक्चर्स वो हमको कंपनी लॉ के अंदर लगेंगे, क्लियर है। सो 25 लेक्चर्स वी आर टारगेटिंग फॉर द पर्पज ऑफ इकोनॉमिक लॉ, ये चीज को आपने याद रखना है, क्लियर है। अब रही बात इनके ईयर्स याद करने की, इनके एक्ट और उसके ईयर याद करने की, ठीक है, तो एक्ट और उसके ईयर याद करने हैं तो इनको थोड़ा क्रोनोलॉजिकली फिट कीजिए, आप इसको क्रोनोलॉजिकली समझिए, बोला था ना अमित शाह जी ने, है ना, क्रोनोलॉजिकली समझिए वैसा। तो सबसे पहला जो सबसे ओल्ड लॉ है जो हमको पढ़ना है उसका नाम है बच्चों आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलिएशन एक्ट, ACA, जो सबसे ओल्ड लॉ है
1996 वाला हम याद करने के हिसाब से पहले इसको याद करेंगे, फिर उसके बाद में दूसरा लॉ दैट इज फेमा 1999 में क्रोनोलॉजिकली, तो अगर आप ऐसे याद करोगे तो याद होने के चांसेस ज्यादा है। तीसरा लॉ जो हमको याद करना है दैट इज सरफेसिया सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट। सर आप पागल हो गए हो जिंदगी के अंदर, अभी के अभी कैसे पूरा नाम याद होगा? नहीं होगा, डोंट वरी, सरफेसिया याद रखो, जब आपका बकायदा आएगा टाइम याद करने का, जब हम लॉ देखेंगे तो इसका नाम याद हो जाएगा, मैं हूं, मैं जिंदा रहूंगा और मैं रहूंगा जिंदा निकम्मो, ठीक है? सो करेंगे याद। चौथा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट 2002, क्लियर है? और उसके बाद में पांचवा जो है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जिसका ईयर है 2010, और लास्ट वाला सिक्स्थ लॉ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। ये हम याद करने के हिसाब से देख रहे हैं, इस हिसाब से हम पढ़ने नहीं वाले, पढ़ने हम सबसे पहले वाले हैं फेमा, फिर आईबीसी, फिर एफसीआरए, एफसीआरए के बाद में सरफेसिया, पीएमएलए और एसीए, ठीक है? ये चीज के हिसाब से, पर याद करने के लिए क्रोनोलॉजिकली ऐसा है। 1996 का लॉ आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट, फेमा 1999, सरफेसिया 2002, पीएमएलए 2002, याद करना आसान है दोनों, एफसीआरए 2010, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट और आईबीसी 2016। एक बार मैं चाहूंगा इसको बोल के देखो, सबसे पहले कौन सा लॉ है? ओल्ड वाला, बोलो बोलो सब जन बोलो, सुनना है मेरे को, टेलीपैथी आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। सो आर्बिट्रेशन काउंसिलेशन एक्ट 1996, फेमा 1999, तीसरा सरफेसिया 2002, पीएमएलए 2002, अगला लॉ एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 और आईबीसी 2016, क्लियर है? मैं चाहूंगा सबसे पहले आप इनके नाम लिख लो, जहां आप लिख रहे हो 30 पेजेस में नहीं, जहां आप लिख रहे हो, जब तक मैं 30 पेजेस स्पेसिफिकली ना बोलूं वहां कुछ नहीं लिखना है, ठीक है? नॉर्मल लिखो, गो फॉर इट फास्ट। चलो डन, लिखना हो गया, जिसका नहीं हुआ होगा थोड़ा सा पॉज करके लिख लेना बच्चों, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्ट करना, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड।
आफ्टर दिस वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट कंटेंट, और अभी मैं जो एक्ट शुरू करने वाला हूं वो है फेमा। एक बार मुझे सभी एक्ट के और उसके ईयर्स बोलिए फटाफट। सबसे पहला कौन सा? 1996 वाला आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट। ईयर कौन सा है? सब जन बोलो, सब जन। अटेम्प्ट की कसम, ठीक है, नहीं तो याद रखना, अटेम्प्ट की कसम। आर्बिट्रेशन काउंसिलेशन एक्ट। दूसरा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। तीसरा सर्फेसिया, नाम बोल के बताओ एक बार जरा, बताओ बताओ। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट ईयर 2002। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ईयर 2002। फिर आता है FCRA 2010, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। फिर ACA, सॉरी, फिर IBC 2016। क्लियर है? और अभी जो लॉ हम शुरू करने वाले हैं उसका नाम है बेटा फेमा। फेमा का ईयर कौन सा है बोलो सबजन? 1999। ठीक है, सबसे बड़ा लॉ है, सबसे पहले लेंगे। सो शुरू करते हैं। एज पर IGAI वो फेमा में आपसे एक्सपेक्ट करते हैं तमाशे, ठीक है, जिसका कोई सेंस नहीं है, सो इसको छोड़ दो। ठीक है, वो बोलते हैं सिर्फ ये तीन ही चीजें याद करो। अगर ये सिर्फ तीन ही चीजें याद की ना तो फेल वाला रिजल्ट अब भी हाथ में आ जाएगा। ठीक है, तो ICAI जो एक्सपेक्ट करती है उसके ऊपर ध्यान ही देना, वो खुद से ही कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, हम तो क्या करेंगे आगे। सो अभी जो हमको फेमा के अंदर पढ़ना है, मैंने आपको जैसे बोला था कि हर लॉ पढ़ने के पहले हमने पढ़नी चाहिए उसकी हिस्ट्री, फिर उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, फिर उसके बाद में अथॉरिटी स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद में चैप्टर स्ट्रक्चर। हिस्ट्री तो चलो मैं आपको बोल दूंगा, पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी आपको खुद को ढूंढ के लानी है बेटा, खुद ने ढूंढ के लानी है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। मैं ये आपको नहीं बोलूंगा, ये आपका होमवर्क है आज का। अगले लेक्चर के पहले मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चाहिए, और मैं क्लास में ये नहीं बोलने वाला, ये आप ही को करना है। मेरे को पता है बच्चे होमवर्क दिया क्या, कल तक रुकते हैं ना सर, खुद ही बोल देंगे। ठीक है, वन सेकेंड। सो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी आप ही ने ढूंढनी है, तभी जाके आपको याद होगी, अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मैं नहीं बोलूंगा, याद रखना। ठीक है, कंपलसरी होमवर्क है। ठीक है, तुमको तुम्हारे एक्स की कसम, ठीक है, एक्स की कसम सर, फिर तो मैं करूंगा ही नहीं है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ढूंढनी है कंपलसरीली। फिर उसके बाद में दैट इज हो गया आपका कौन सा बोले एक बार से, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, फिर अथॉरिटी स्ट्रक्चर मैं बोलूंगा और चैप्टर स्ट्रक्चर भी मैं बोलूंगा। ठीक है, सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फेमा के हिस्ट्री के साथ। कोई भी लॉ पढ़ने के पहले चार चीजें, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, अथॉरिटी स्ट्रक्चर, चैप्टर स्ट्रक्चर। ठीक है, एक बार बोलो वापस से, क्या क्या? हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, अथॉरिटी स्ट्रक्चर, चैप्टर स्ट्रक्चर। सो अभी हम शुरू करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ फेमा के साथ। ठीक है, बेसिकली फेमा का कंसेप्ट अगर आपको हिस्ट्री समझना है तो कंसेप्ट भी पता होना चाहिए कि फेमा किस तरीके से, फिर ही हिस्ट्री समझेगा। तो कंसेप्ट लेते हैं, लेट्स इमेजिन हर एक के घर पे वाटर टैंक होगा। वाटर टैंक पता है ना, वाटर होगा ना, पानी पीते, ये सुन। सो हर एक के घर पे वाटर टैंक होगा, समझो बारिश का सीजन चल रहा है और तगड़े लेवल पे वाटर टैंक में पानी जमा हो रहा है। इतनी बारिश गिर रही है कि चारों तरफ पानी ही पानी, पानी पानी चहू कड़े, मराठी में गाना था पानी पानी चहू कड़े, इतना पानी है डूब मरोगे इतना पानी है। सो समझो बारिश आ रही है, वाटर टैंक में पानी बरस रहा है और समझो वाटर टैंक फुल हो गया, बारिश के सीजन में वाटर टैंक हो गया फुल। अब जब ये वाटर टैंक बारिश के सीजन में फुल हो गया, बड़े अच्छे से ध्यान देना, बारिश के सीजन में जब ये वाटर टैंक फुल हो गया तो एक आदमी आपके पास आया, ठीक है, नहीं वो बादल में नहीं भिड़ने वाला, टेंशन मत लो। एक आपका नेबर आपके पास आया और आपको बोलता है मुझे कार धोनी है, कार मुझे कार धोनी है, समझो उसके पास है नैनो या उसके पास है समझो जैगुआर या लिमोजिन, लंबी की लंबी कार, बोले मेरे को कार धोनी है, एक बकेट पानी चाहिए, एक बाल्टी पानी चाहिए, मुझे एक बार बताओ क्या आप दोगे? हाँ मरे जितना पानी है, डूब मरोगे इतना पानी है, जरूर देंगे, तो आप उसको पानी दे दोगे? सर नहीं दूंगा, कंजूस लोगों निकम्मो, थोड़ा सा दान धर्म सीखो, दे देना, पर मरे जितना पानी है क्या करने वाले हो? सो एक बाल्टी आपने पानी दे दिया, ये रेनी सीजन में हुआ, वही सीजन चेंज हो गया, वाटर टैंक वही है, सूरज सिर पे तांडव करना शुरू कर रहा है, सूरज ने सिर पे तांडव करना शुरू कर दिया, पीने तक को पानी नहीं है, एक बूंद पानी नहीं बचा है पीने को, वाटर टैंक की लेवल खस्ता है, पानी भी नहीं है पीने के लिए। वही बंदा आया सेम आपके पास, सूरज में नहीं घुसने वाला जस्ट पे, और वो बंदा बोलता है मुझे मेरी कार धोनी है, एक बाल्टी पानी दीजिए। आप क्या बोलोगे उसको? मेरे यहां कुछ लिखा है, पागल दिखता हूं मैं? आई हैव बेटर वर्ड रादर दैट पागल, पर यहां पागल ही ठीक है, फैमिली शो है ना, हाँ ना। सो
क्या एक बाल्टी पानी दोगे मुझे बताओ, ऐसे केस में आप पार्टी एक बाल्टी पानी दोगे इसको? ऑब्वियसली नहीं दोगे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, ऑब्वियसली नहीं दोगे, क्योंकि पानी है ही नहीं, लग्जरी आइटम्स के लिए पानी ही नहीं है। कार धोना इज ए लग्जरी आइटम, यहां पीने के लिए नेसेसिटी के लिए नहीं है। सर क्यों ये फालतू एग्जाम्पल दे रहे हो, क्यों हमको फ्रस्ट्रेट कर रहे हो जिंदगी के अंदर? एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये जो वाटर टैंक है, ये वाटर टैंक है हमारा फॉरेन एक्सचेकर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास का एक्सचेकर। ये हमारा फॉरेन एक्सचेकर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये वाटर टैंक है, इसके अंदर डॉलर के फॉर्म में पानी जमा होता है, डॉलर के फॉर्म में ही पानी एक्सपेंड होता है। इस वाटर टैंक में बारिश तब होती है जब गवर्नमेंट बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट करता है, इंडिया बड़े पैमाने एक्सपोर्ट करता है। ये डॉलर डॉलर डालरा ही डालरा बम डालरा खनकने लग गए इसके अंदर। इसमें अगर सूरज तब चमकता है, समर सीजन तब आता है जब गवर्नमेंट बड़े पैमाने पर इंपोर्ट करता है। हो दे खर्च हो दे तोटा बापाए मोटा, मराठी प्रोवर्ब है ठीक है, होने दे खर्चा पप्पा है बड़े, ऐसे कुछ तो भी नहीं छोड़ो। हाँ, सो डॉलर, सो एक्सपोर्ट करोगे तो डॉलर एक्सपेंड होंगे, एक्सपोर्ट करोगे तो डॉलर इनकम होगा, इंपोर्ट करोगे तो डॉलर एक्सपेंड होगा। गवर्नमेंट का फेमा का एक ही मकसद है, लाइफ में एक ही मकसद है गवर्नमेंट और फेमा का, ये जो वाटर टैंक है इसको फिल्ड अप रखना है। ये जो वाटर टैंक है फिल, अब मुझे बताओ घर का जो वाटर टैंक है वो भरा हुआ अच्छा या खाली अच्छा? ऑब्वियसली भरा हुआ अच्छा। तो गवर्नमेंट का भी ये मकसद है, डॉलर का रिजर्व भरा हुआ होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। खाली हुआ तो पब्लिक क्या यूज करेगी? पब्लिक को फिर किसी को मेडिकल टूर करना है बाहर, डॉलर कहां से आएंगे उसके पास? ये है हमारा फेमा का मेन मकसद। क्लियर है आंसर सबको? हाँ है ना, जोर से बोलो यस और नो। तो आपके फेमा के नोट्स में, अगर आप आपके फेमा के नोट्स ओपन करो तो मैं जरा दिखाता हूं यहां पर, आ जाइए। सो आपके फेमा के नोट्स में सबसे पहले यही चीज लिखी होगी, ठीक है? यहां लिखा है साइलेंट फीचर्स ऑफ द एक्ट वगैरह, वो कुछ काम का है नहीं। आज ये सीधा ये कंसेप्ट दिया होगा, दैट इज पेज दूसरे पेज के ऊपर फेमा के अंदर, ठीक है? ये वाटर टैंक आपके इसमें दिया होगा, दिख रहा है सबको? हाँ ना, तो यहां कुछ मार्किंग करके रखना है और मैं जो लिख रहा हूं वो यहां पर लिख के रखना है सबने। सबसे पहले इसके अंदर डॉलर्स आएंगे व्हेन यू एक्सपोर्ट द गुड्स, और इसके अंदर से डॉलर एक्सपेंड किए जाएंगे, बाहर चले जाएंगे डॉलर व्हेन यू इंपोर्ट द सिचुएशन। क्लियर है सब सबको? हाँ है ना। और यहां एक सेंटेंस आपने साइड में लेके रखना है, ठीक है? जगह होगी उसके हिसाब से, यू शुड राइट अ सेंटेंस। द मेन पर्पस ऑफ फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इज टू कीप this tank of dollar filled up। ये फेमा का मेक मकसद है कि ये डॉलर का जो वाटर टैंक है इसको फिल्ड अप रखना है। ये फेमा का मेन कंसेप्ट है बच्चों। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, जोर से बोलो यस और नो। अब हम जाते हैं फेमा के हिस्ट्री पे। कंसेप्ट अगर समझ में आया सो वी कैन गो टूवर्ड्स द हिस्ट्री, ठीक है? सो आ जाइए, अब फेमा की हिस्ट्री समझते हैं कि क्या थी फेमा की। अगर आपको हिस्ट्री समझनी है तो आपको थोड़ा ज्ञान होना चाहिए वर्ल्ड वॉर का, वर्ल्ड वॉर दो का। सो अगर नहीं भी होगा तो मैं थोड़ा सा यहां पे ज्ञान पहलना चाहूंगा क्योंकि इससे फेमा की हिस्ट्री काफी क्लोजली कनेक्टेड है बच्चों। वर्ल्ड वॉर टू में अगर आपने देखा होगा तो जो वॉर हुआ था, द वॉर वॉज बिटवीन अलाइड नेशंस वर्सेस जर्मनी प्लस जापान, और अलाइड नेशंस में आते थे ब्रिटिश, यूएस, ये मेजर कंट्रीज थे अलाइड नेशन में। उसमें भी ब्रिटिशर्स के नीचे, ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल करते थे तो उसके नीचे कौन था? इंडिया। ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल करते थे। वर्ल्ड वॉर टू जब ओवर हुआ तो अलाइड नेशंस जीत गए, अलाइड नेशंस वन द वर्ल्ड वॉर। जर्मनी हार गया, हिटलर हार गया, हिटलर ने सुसाइड कर लिया, पर वॉर चाहे कोई भी जीते, लॉस तो दोनों का होता है। वॉर में कोई हारता जीतता नहीं है, वॉर में सिर्फ हार ही होती है, वो भी इकोनॉमी की, वो भी रिसोर्सेज की। इकोनॉमिक स्लोडाउन आ जाता है, दुनिया तहस नहस हो जाती है, लोग मर जाते हैं। सो वॉर हुआ है, भले ही आप वॉर जीते हो लेकिन आपकी इकोनॉमी तो गई, आपके रिसोर्सेस तो गए। और अब इस सिचुएशन में ब्रिटिशर्स की हालत इतनी खस्ता थी वर्ल्ड वॉर टू के बाद, वर्ल्ड वॉर टू 1945 के आसपास खत्म हुआ, हिरोशिमा नागासाकी बॉम्ब ब्लास्ट के बाद में,
क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब डाला था और दो लोग देख के दिल दहल गए लोगों का कि हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी सुदबुद्धि आई, लोगों ने वॉर रोक दिया। 1945 में हिरोशिमा नागासाकी का कांड हुआ, वॉर रोक दिया, ब्रिटिशर्स को समझ में आया कि उनकी हालत खस्ता हो चुकी है। ब्रिटिशर्स को जैसे ही समझ में आया हालत खस्ता हुई है तो उनको एकदम से नीड महसूस हुई कि भाई इंडिया में हम जितना रिसोर्सेस लगा रहे हैं और इंडिया से जितना इनकम हमें आ रहा है क्या हम इसका अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स को समझ में आया नहीं, तो उन्होंने उसके बाद 1946 में पहला ट्राई किया कि हम इंडिया के लिए अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। इंडिया ये ब्रिटिशर्स के लेजर में सिर्फ एक पेज था जिसमें वो देखते थे कि भाई कितना पैसा इंडिया से कमा रहे हैं एज अ रिसोर्स और कितना इंडिया में लगा रहे हैं। अब ये फॉरेन एक्सचेंज में होता था क्योंकि ब्रिटिशर्स तो खुद के एक्सचेंज में ये सब करेंगे। फिर उसके बाद में ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि यार इंडिया अगर हमको ज्यादा पैसे कम पैसे दे रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा, हमें इसका अकाउंट रखना पड़ेगा। तो उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज के लिए इंडिया के लिए लॉ बनाया मार्च 1947 में, और इस लॉ को उन्होंने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया मार्च अप्रैल 1947 से। और 1947 में उन्होंने लॉ इंप्लीमेंट करना शुरू नहीं किया तो हमें 1947 अगस्त में इंडिपेंडेंस मिल गया 15 अगस्त को। तो इंडिया का सबसे पहला फॉरेन एक्सचेंज का लॉ ये हमने बनाया ही नहीं है, ये लॉ हमें रेडीमेड मिला है। रेडीमेड जो हमारा डार्क पीरियड था वो खत्म हो गया, फ्रीडम मिला, एक होप, नई होप जागृत हुई, एक सूरज की किरण दिखी येलो कलर की, समझ में आ रहा। और हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये लॉ को एक्सेप्ट किया 1947 में, जो ब्रिटिशर्स का गिफ्ट किया हुआ लॉ था। अब आप देखिए जो लॉ बनाता है वो इंप्लीमेंट करे तो इजी जाता है, पर हमें रेडीमेड लॉ मिला। इसके पहले फॉरेन एक्सचेंज पता नहीं था, कैसे इंप्लीमेंट करना पता नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कुछ भी रेडी नहीं, लॉ गिफ्ट कर दिया, बोले इंप्लीमेंट करो, कैसे होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस लॉ को बना बना के इतना रिजिड बना दिया, अमेंड कर करके इतना रिजिड कि कोई बंदा डॉलर मांगे तो डॉलर मिले ही ना, इतना रिजिड कि आप डॉलर के बारे में सोच नहीं सकते। अगर आपने डॉलर बोला भी तो गवर्नमेंट उठा के आपको जेल में डालती थी। एक बंदा मर रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए चिल्ला रहा है, अरे मैं मर रहा हूं, बहुत दुख रहा है, मेरे को बाहर मेडिकल ट्रीटमेंट करने दो, गवर्नमेंट बोलती थी इधर ही मर, इतने मर, पर बाहर जाने के लिए पैसा नहीं मिलता था, ही नहीं पैसा ही नहीं था, कहां से देंगे, गवर्नमेंट फ्रस्ट्रेट हो गई थी। तो इतना रिजिड लॉ, गवर्नमेंट बोलती थी हाथ में डॉलर से मुट्ठी काट लो, हाथ काट लो पर डॉलर नहीं छूटेंगे। कोई बंदा अगर डॉलर बोलने जाए ना तो गवर्नमेंट उठा के जेल में डाल दे, बंदा बोले डॉ उठाया जेल में, अरे डॉ ग बोल रहा हूं वो नहीं मालूम, डॉ बोला गेम गोवर, इतना रिजिड लॉ। मतलब एक्चुअली इतना नहीं था, बट आई एम टेलिंग हाइपोथेटिकली क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। इतना रिजिड लॉ, नेसेसिटी की चीजों के लिए भी पैसा नहीं, मेडिकल इमरजेंसी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कुछ पैसा है ही नहीं, बोले डॉलर है ही नहीं, रिजर्व में पानी जमा नहीं हुआ, टैंक में पानी आया नहीं और आप पानी पीने चले गए, कहां से मिलेगा। फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट के पास चिल्लर खनकना शुरू हुई, थोड़ा सा एक्सपोर्ट बना, इंडिया वॉज अ रिसोर्स कंट्री, इंडिया पहले सोने की चिड़िया था, बाद में सिर्फ चिड़िया बची, अगर आपको पता होगा तो। सोने की चिड़िया था, बाद में सिर्फ चिड़िया बची, थोड़ी बहुत रिसोर्सेस खनकना शुरू हुआ, एक्सपोर्ट करना शुरू हुआ, थोड़ी चिल्लर जमा हुई। 1973 में इंदिरा गांधी के राज में फिर हमने नेसेसिटी के चीजों के लिए फेरा, जो पहला हमारा लॉ था, पहले लॉ का नाम था बेटा फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ये फेरा को हमने इंदिरा गांधी के राज में थोड़ा लिबरल किया, थोड़ा सा लिबरल किया कि भाई नेसेसिटी की चीज है, बंदा बोल रहा है अरे बहुत दुख रहा है मेडिकल ट्रीटमेंट करनी है जाने दो, गवर्नमेंट बोलती थी ओके बाहर जा ट्रीटमेंट करके आ, वहां मरा तू भी चलता। तो लिबरल बना है, नेसेसिटी चीज है भैया, मेडिकल ट्रीटमेंट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, दवाइयां है, कुछ नेसेसिटी के गुड्स है, उसके लिए 1973 में अलाउ किया। इंदिरा गांधी के राज में तीन सबसे अच्छे डिसीजन लिए गए भैया, पहला फेरा बनाया गया, लिबरल किया गया बाहर का ट्रीटमेंट, दूसरा परमाणु परीक्षण पहला इंदिरा गांधी के राज में हुआ था पोखरण में, दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी के राज में हुआ था 2004 में इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और तीसरा इंदिरा गांधी ने जो डिसीजन लिया था नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, पहले 14 बैंक्स को इंडिया में नेशनलाइज किया गया था, तब से लेके आज तक इंडिया की इकोनॉमी नेशनलाइज बैंक के ग्रोथ रेट के हिसाब से चलती है। सो ये मतलब था, ये सिचुएशन चलता था 1973 में, इंदिरा गांधी ने फेरा टू बनाया, फेरा टू। अब फेरा टू रिजिड था पर इतना भी नहीं, आप बोलोगे मेरे को टूरिज्म के लिए जाना है, गवर्नमेंट बोलती है फट चुपचाप यही बैठ, इंडिया में इतने टूरिस्ट प्लेसेस है वो क्या मर गए, जा गोवा जा, तीर्थक्षेत्र है, चारों धाम जा, इधर उधर जा, कुल्लू मनाली ऊटी तिरुपति बालाजी सब जगह जा, लेकिन बाहर मत जा, पैसा ही नहीं है, समझ में आ रहा है सबको। आप बोलोगे बाहर ट्रेड करना है, ट्रेड कर सकता है लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट सोचना नहीं, तो इसेंशियल चीजें अलाउ की, नेसेसिटी वाली चीजें अलाउ की, बाकी छोड़ दी। पर ये जो अप्रोच था ना ये गलत था, क्योंकि उस वक्त फिर झगड़े छिड़ गए,
विदेशी और स्वदेशी के, आपने देखा होगा, आप तब उस वक्त पैदा भी नहीं हुए होंगे, नियरली 1987 वगैरह 1991 का दौर था, मेरे बचपन में एकदम 4-5 साल का था, एक स्लोगन बड़ा चलता था, तोड़ो फेंको माल विदेशी, जय स्वदेशी जय स्वदेशी। गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट ने और सभी लोगों ने विदेशी फॉरेन गुड्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि ऐसा लगता था कि विदेशी लोग हमारे कंट्री को कैप्चर कर लेंगे, दे आर द ट्रेडर्स। देखो, आपको फॉरेन एक्सचेंज अर्न करना है ना, तो फॉरेन एक्सचेंज संभाल के रखना इज नॉट अ सॉल्यूशन। कोई भी चीज अर्न करनी है ना, तो फॉरेन एक्सचेंज संभाल के रखना या उस चीज को संभाल के रखना इज नॉट अ सॉल्यूशन। आपको पैसा चाहिए ना, तो पैसा पूरा जमा करके रखा इज नॉट अ सॉल्यूशन। यू हैव टू क्रिएट अ टर्नओवर ऑफ द मनी, और उस टर्नओवर में से अगर 2-4-5% भी आपके पास बचता है, तो यू विल हैव अ ह्यूज अमाउंट। गवर्नमेंट को ये समझ में नहीं आया, 1991 तक गवर्नमेंट की हालत इतनी खस्ता हुई थी, क्योंकि हम फॉरेन एक्सचेंज सिर्फ जमा कर रहे थे, हम ना ही किसी से गुड्स इंपोर्ट कर रहे थे, तो कोई हमसे एक्सपोर्ट लेने के लिए भी रेडी नहीं था। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर ट्रेड बनेगा तो दो कंट्रीज में बनेगा, नहीं तो बाहर की कंट्री हमसे नेसेसिटीज छोड़ के और क्यों लेगी कोई चीज। जब हम उनको लिबरलिटी देंगे कि आप हमारे यहां बेचो हम आपके यहां बेचेंगे, तो जाके टर्नओवर बढ़ेगा, तब जाके पैसा आएगा। तो हमारी हालत इतनी खस्ता थी कि हमारे पास डॉलर बिलियन रिजर्व 1.1 बिलियन डॉलर बचा था। आप बोलोगे सर 1.1 बिलियन डॉलर्स 1991 में? बेटा ये रिजर्व हार्डली 7 दिन तक मैक्सिमम चलने वाला रिजर्व था। गवर्नमेंट की हालत बड़ी खस्ता थी, लेकिन रोटेशन ऑफ मनी होता रहा। 91 में ये सिचुएशन फेस की प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने, 1991 में नरसिम्हा राव ने उसी फेज में डिक्लेयर किया लिबरलाइजेशन पॉलिसी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हमने टाइप किए, सर्विस टैक्स वाला नया कंसेप्ट उस वक्त पैदा हुआ था, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी हमको रिड्यूस करनी पड़ी, और अल्टीमेटली इसका असर दिखना शुरू हुआ। टर्नओवर इतना बढ़ गया, जय स्वदेशी जय विदेशी वाले जो नारे थे वो बंद हो गए, और हम आराम से लिबरलाइजेशन पॉलिसी में आते थे। हम लोगों से गुड्स लेते भी थे, हम लोगों से सर्विसेज लेते थे बाहर देशों से, इंडिया से हम गुड्स एक्सपोर्ट करते थे, सर्विसेज एक्सपोर्ट करते थे, लोगों को भी एक्सपोर्ट करते थे। अब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन तो अपने पास ही है ना, दुनिया में सेकंड नंबर है ना, तो हम लोगों को भी एक्सपोर्ट करते थे। तो इंडिया में लिबरलाइजेशन की वजह से सिचुएशन कंट्रोल में आना शुरू हुआ। अल्टीमेटली 5-10 सालों में तो आहा खतरनाक। इंडिया को ऐसा लगा कि भाई हमने अब ट्रेड अलाउ कर दिया है बाहर के साथ। अब आप देखना, ट्रेड अलाउ किया, ट्रेड इज अ काइंड ऑफ थिंग विच इज नॉट अ नेसेसिटी। और इंदिरा गांधी ने जो फेरा बनाया था इंदिरा गांधी के राज में, वो तो सिर्फ नेसेसिटी अलाउ करता था, वो तो ट्रेड अलाउ नहीं करता था। तो हमारा जो फेरा था इंदिरा गांधी के राज का, वो लिबरलाइजेशन पॉलिसीज के खिलाफ वाला था, क्योंकि उसमें सिर्फ नेसेसिटी थी, ट्रेड नहीं था, सर्विसेस नहीं थी। तो ऐसे सिचुएशन में हमको ये जरूरत महसूस हुई कि ये फेरा को अमेंड करके हमने इसको और लिबरल करना चाहिए पब्लिक बेनिफिट के लिए, सो ट्रेड आसानी से हो पाए, सर्विसेज आसानी से दी जा पाए, लोगों को आसानी से बाहर भेजा जा पाए। और फिर हमने लिबरलाइजेशन पॉलिसीज को मद्देनजर रखते हुए 1999 में बनाया फेमा, जिससे ट्रेड और फैसिलिटेट हुआ। फेरा का आप मेन मकसद देखोगे ना, तो फेरा का मेन मकसद यह है फॉरेन एक्सचेंज को कंजर्व करना। आप फेमा का मेन मकसद देखोगे तो है ट्रेड को फैसिलिटेट करना। हम देखेंगे फेमा के स्कोप के अंदर कि क्या मेन स्कोप है फेमा का। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। फिर अल्टीमेटली एक ग्रीन वाला एरिया शुरू हुआ, हरियाली छाने लगी, नोटों की पत्तियां इधर उधर बिखरने लगी, और फिर फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स मनमोहन सिंह के राज में, फेमा तो हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी के राज में इंप्लीमेंट किया, 2011 में मनमोहन सिंह के राज में हमने एक गोल्डन टाइम की शुरुआत की, जिस वक्त हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 314 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचा था। इट इज ऐसा कह सकते हैं कि 1.5-2 साल तक इंडिया को सपोर्ट करने के लिए रिजर्व काफी है। कंसेप्ट समझ में आया कि अगर आज से भी हमको फॉरेन एक्सचेंज आना बंद हो गया तो 1-1.5 साल तक वी कैन कीप इट, जिसकी वजह से आज हम लग्जरी की चीजों के लिए भी फॉरेन एक्सचेंज ले सकते हैं। अब बाहर ट्रैवल करना चाहते हो ले लो, एजुकेशन ले लो, कितने लोग एवरी ईयर बाहर आना जाना करते हैं, कितने लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं, कितने लोग एजुकेशन के लिए जाते हैं, कितने लोग बाहर कांटेक्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बाहर शुरू करते हैं, इंडिया में शुरू करते हैं, उसकी रॉयल्टी बाहर भेजते हैं, ये सब फेमा की वजह से। अगर आज के डेट में फेरा होता था ना तो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ नेसेसिटी नथिंग एल्स, बट फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट अलाउज एवरीथिंग। फेरा का नाम ही रिजिड है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट नाम है, फेमा का नाम लिबरल है, मैनेजमेंट एक्ट नाम है बच्चों। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। ये सेम हिस्ट्री आपको तब तक नहीं समझ में आएगी जब तक आप फेरा और फेमा का डिफरेंस नहीं देखते, तो एक बार चलो डिफरेंस भी देख लेते हैं।
फेरा के अंदर हर ऑफेंस क्रिमिनल माना जाता था बच्चों, इमेजिन क्रिमिनल, मतलब अगर आप फेमा में फेरा में कॉन्ट्रावेंशन कर दो तो आपके साथ इंसानों नहीं जानवरों जैसा सलूक होता था। एवरी ऑफेंस अंडर द फेरा वॉज कंसिडर्ड टू बी क्रिमिनल, कोई भी कर दो क्रिमिनल ऑफेंस, फेमा में हर ऑफेंस सिविल ऑफेंस है, आपको इंसानों जैसा ही सलूक किया जाएगा। फेरा में ट्रांजेक्शन को कोई नाम था क्या? कोई नाम नहीं था, बोल सकते हो एक ही नाम था, प्रोहिबिटेड, ठीक है, या नो नेम्स भी बोल सकते हो। फेमा में ट्रांजेक्शंस को नाम है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन स्पेसिफिकली नाम है फेमा के अंदर। परमिशन पर ट्रांजेक्शन, फेरा में ट्रांजेक्शन इज प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड। फेरा में बहुत चलता प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड, जब तक परमिट नहीं करते तब तक ट्रांजेक्शन फेरा में प्रोहिबिटेड था। आप बोल सकते हो फेमा में क्या होगा, इस सेंटेंस को कंपेयर करके क्या होगा, जरा ट्राई करो, थोड़ा आ जाएगा, ट्राई करो, आ रहा है मेरे को, टेलीपैथी आ रहा है, हाँ कुछ लोगों ने बोला है, शाबाश, शानदार, बोलो क्या होगा ये सेंटेंस को कंपेयर करके फेमा में, ठीक, बोलो, हाँ, ट्रांजैक्शन इज परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड। यहां प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड था, यहां परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड। जब तक मना नहीं करते फेमा में, हर चीज अलाउड है। नेक्स्ट, ट्रांजेक्शन वॉज रिजिड इन द फेरा बट ट्रांजेक्शन आर लिबरल इन द फेरा फेमा। रिजिडिटीज रिगार्डिंग फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं मिलता था, हाथ काट लो, जबान काट लो, गला काट लो, कुछ भी काट लो, एवी काट लो या कट जाए, बट फिर भी फेरा में फॉरेन एक्सचेंज नहीं मिलेगा। फेमा में आपको आराम से फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, लेकिन रिजिडिटी डिस्क्लोजर के लिए है। ये डिस्क्लोजर वाला पॉइंट ना बड़े अच्छे से याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फेमा इज रिजिड रिगार्डिंग डिस्क्लोजर, बोलो फेमा इज रिजिड रिगार्डिंग डिस्क्लोजर। एक और बार, फेमा जो नहीं बोलेगा उसको उसके एक्स की कसम, उसका एक्स उसके वाई के साथ भाग जाएगा, याद रखना, ठीक है। सो फेमा इज रिजिड रिगार्डिंग डिस्क्लोजर, बोलो फेमा इज रिजिड रिगार्डिंग डिस्क्लोजर, जोर से बोलो, मेरे को यहां तक सुनाई देना चाहिए, हाँ, शाबाश, तूफान, ठीक है। तो ये चीज को अच्छे तरीके से याद रखना, फेमा इज रिजिड रिगार्डिंग डिस्क्लोजर, क्लियर है आंसर। ये सेंटेंस आगे हमको बहुत काम में आएगा। अगर आप फेमा में सही डिस्क्लोजर्स दे दो, सच्ची और मुच्ची डिस्क्लोजर दे दो, ट्रू एंड फेयर डिस्क्लोजर, तो आपको फॉरेन एक्सचेंज लेने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ सिलेक्टेड 7-8 ट्रांजेक्शन है जो प्रोहिबिटेड है, वो छोड़ के सब कुछ अलाउड है, क्लियर है आंसर। नेक्स्ट प्रोविजन, फेरा के अंदर 81 सेक्शंस थे, फेमा के अंदर 49 सेक्शंस है। देखो इसमें भी लिबरिटी, कितने सेक्शन पहले, मतलब आपके एग्जाम के लिए भी लिबरिटी, पहले 81 पढ़ने पड़ते थे, 49 नहीं पढ़ने पड़ रहे, समझ में आ रहा है ना। फीचर्स, फेरा के अंदर प्रिजम्पशन ऑफ निगेटिव मेंस रिया था, जिसके ऊपर अलीगेशन है ना, उसको प्रूव करना पड़ता था कि उसने कुछ गलत नहीं किया। मतलब तुम्हारे ऊपर अगर फेमा के चार्जेस लगे तो यू शुड प्रूव कि यू हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। लेकिन फेमा में मेंस रिया नहीं है, आपके जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले, उनको प्रूव करना पड़ता है कि आपने कॉन्ट्रावेंशन किया। गवर्नमेंट हैज टू प्रूव दैट यू हैव मेड अ कॉन्ट्रावेंशन। क्वांटम ऑफ पेनल्टी, फेरा में 5 times पेनल्टी था, देखो 5 times था, लेकिन फेमा में सिर्फ 3 times पेनल्टी है, सिर्फ 3 times। देखा ना, मैंने पहले बोला था ना क्रिमिनल और सिविल, सो यहां सिर्फ 3 times है, यहां 5 times है। ये है फेरा और फेमा का डिफरेंस। हिस्ट्री और डिफरेंस आपके बुक में देखे रखा है, एक बार चेक कीजिए, गो फॉर इट, फास्ट रीड कर लीजिए। चलो डन बच्चों, एवरीबॉडी चेक कर लिया सबने, किसी को चाहिए तो पॉज करके चेक कर लीजिए, थोड़ा अंदाजा आना मुश्किल है आप सामने नहीं हो तो। डन,
चलो बहुत बढ़िया, लेट्स गो. सो हिस्ट्री हो गया, अब हम चैप्टर स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं, फिर अथॉरिटी स्ट्रक्चर में जाएंगे, डोंट वरी. ठीक है, सो आ जाओ चैप्टर स्ट्रक्चर अंडर द फेमा. फेमा के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स है वो है 7. प्रिलिमिनरी पहला चैप्टर है 1 और 2, जिसमें सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशंस का है. रेगुलेशन मैनेजमेंट सेक्शन नंबर 3 से लेकर 9. अब अगर मैं बोलूं तो इसमें जो डेफिनेशन का सेक्शन 2 है वो काफी इंपॉर्टेंट है. कलर चेंज कर दूं, दिस वेरी वेरी आईएमपी सेक्शन, इस चीज को याद रखना. सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 9 बड़ा बड़ा स्टार मार्क, 5-star mark, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया. मैक्सिमम सवाल इसी में से आएंगे. ऑथराइज्ड पर्सन 3-star mark नॉर्मली पूछा जाता है. कॉन्ट्रावेंशन पेनल्टीज 3-star mark. अपील एडजुडिकेशन 2-star. डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट 2-star. मिसलेनियस 2-star. क्लियर कॉन्सेप्ट. सो मेन हमको कॉन्सेंट्रेट करना है ऊपर के पैरामीटर्स के ऊपर, इसके ऊपर हम सबसे ज्यादा समय देंगे. कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, ये चीज को बड़े अच्छे से याद रखना. क्लियर है? किसी को चाहिए तो चैप्टर स्ट्रक्चर में मार्किंग कर लो. गो फॉर इट फर्स्ट. चलो डन एवरीबॉडी, ये सुनो. अब मैं इसके बाद जा रहा हूं नेक्स्ट कंटेंट के ऊपर, और अब मैं शुरू कर रहा हूं अथॉरिटी स्ट्रक्चर फेमा का. तो मुझे एक बार इसको लिखना पड़ेगा. सो आ जाइए वन नोट के ऊपर जाते हैं. सो लेट्स गो. सो वी आर स्टार्टिंग विद द अथॉरिटी स्ट्रक्चर. किधर गया? ये आपके हालांकि टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं दिया है, इसलिए मैं इसको ड्रॉ करके देता हूं. आपने इसको ड्रॉ कर लेना जहां पे भी आपको जरूरत पड़ सकती है उस जगह पे आपके रजिस्टर में. ठीक है? सो अथॉरिटी स्ट्रक्चर. ठीक है, हिस्ट्री में ले रहा हूं, अथॉरिटी स्ट्रक्चर में ले रहा हूं. आपको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी खुद ढूंढ के लानी है. कौन से लिस्ट का, यूनियन स्टेट या कॉन्करेंट लिस्ट का कौन सा एंट्री नंबर है, आपको खुद को ढूंढ के लाना है. क्लियर कॉन्सेप्ट? सो अथॉरिटी स्ट्रक्चर और चैप्टर स्ट्रक्चर हमारा हो चुका है. अथॉरिटी स्ट्रक्चर ऑफ फेमा में सबसे पहली चीज, डिवाइड करो दो पार्ट्स में. किसी भी एक्ट में अथॉरिटीज को दो पार्ट में ही डिवाइड करना होता है बच्चों. सबसे पहला पार्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, और दूसरा अथॉरिटी होता है जुडिशियल अथॉरिटी. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल. एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी फेमा के अंदर सबसे पहले आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. माय मिस्टेक, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मोहा. होम अफेयर्स भी इसलिए क्योंकि फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के साथ इसके साथ काफी घनिष्ठ संबंध है इसका, एफसीआर में देखेंगे. सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मोहा, ये दोनों मिलके गवर्न करते हैं लीडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, दैट इज आरबीआई. और एक आरबीआई और 130 करोड़ की जनता बहुत नाइंसाफी है, इसलिए आरबीआई ने खुले छोड़ के रखे हैं ऑथोराइज्ड पर्सन. ऑथोराइज्ड पर्सन, ठीक है, ये ऑथोराइज पर्सन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी. ये एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, ये फेमा को इंप्लीमेंट करेंगे और फॉरेन एक्सचेंज में डील करने वाले लोगों का नाम मैंने लिख दिया. ऑथोराइज पर्सन इज अ पर्सन जो नॉर्मली आपको फॉरेन एक्सचेंज दे सकता है. जुडिशियल अथॉरिटीज में मैं जब जाऊंगा तो जुडिशियल अथॉरिटीज में सबसे पहले आते हैं असिसिंग ऑफिसर के लेवल, मतलब इनकम टैक्स में जैसे असिसिंग ऑफिसर है वैसे असिस्टेंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर,
और डायरेक्टर जनरल, इतने टाइप के डायरेक्टर्स आते हैं, इनके खिलाफ आप अपील कर सकते हो. यू कैन अपील टू एनफोर्समेंट डायरेक्टर, मतलब इन्होंने आपके खिलाफ पेनल्टी का ऑर्डर पास किया तो यू कैन अपील टू एनफोर्समेंट डायरेक्टर. एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने आपके खिलाफ अगर ऑर्डर पास किया तो यू कैन फर्दर अपील टू फेमैट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल, APELATE, अपीलेट ट्रिब्यूनल. इसको आप अपील कर सकते हो. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल ने डिसीजन दिया, यू कैन गो विद द हाई कोर्ट और फिर उसके बाद में यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट. यह है जुडिशियल अथॉरिटी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो दिया है वो फेमा में नहीं दिया है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में ये नहीं दिया है, लेकिन ये कहां दिया है ये मैं आपको जरूर बताऊंगा. फेमा में ये नहीं दिया है, बट जब हम अपील्स पे जाएंगे तो आई विल टेल यू कि किस तरीके से जुडिशियल अथॉरिटी है. यह है फेमा का अथॉरिटी स्ट्रक्चर. ठीक है, आप इसको भी नॉर्मली लिख के रखिए. ठीक है, गो फॉर इट फास्ट. लिख लिया सबने, बहुत बढ़िया, लेट्स गो. अब ये अथॉरिटी स्ट्रक्चर होने के बाद नाउ वी कैन एंटर इनटू अ फेमा. ठीक है, सो आ जाइए. अब मैं पढ़ने वाला हूं फेमा की अप्लीकेबिलिटी. ठीक है, सो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार थोड़ा सा स्टॉप लेके रिवाइज करते हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग फ्रॉम द मॉर्निंग, मतलब इस लेक्चर में हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा व्हाट इज लॉल, दैट इज लॉ ऑफ लैंड, जिसके अंदर आता है एक्ट, ऑर्डिनेंस, डिपार्टमेंट के सर्कुलर रूल्स और नोटिफिकेशन. दूसरी चीज जो इसके अंदर, चौथी चीज जो आती है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की केसेस और उसके बाद में कस्टम्स. फिर एक्ट के हमने पार्ट देखे, प्रीएम्बल, डेफिनेशन, उसके अंदर कवरेज वाइज, ड्राफ्टिंग वाइज, इंक्लूसिव, एग्जॉस्टिव वगैरह. फिर हमने चैप्टर, सेक्शन, सबसेक्शन, प्रोविजो, सब प्रोविजो, क्लॉजेस, सब क्लॉजेस, ये सब देखा. फिर उसके बाद में एक्सेप्शंस देखे, फिर कॉन्ट्रावेंशन, पेनल्टीज, कॉन्सिक्वेंसेस, अपील्स एंड शेड्यूल्स. ठीक है, फिर उसके बाद में हमने किसी भी लॉ को स्टार्ट कैसे करना है ये देखा, जिसके अंदर चार चीजें आती है, दैट इज कौन कौन सा, हिस्ट्री, उसके बाद में क्या, बोलो 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 बोलो, हिस्ट्री के बाद आता है आपका
कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो आप ढूंढने वाले हो, अथॉरिटी स्ट्रक्चर, चैप्टर स्ट्रक्चर, कंसेप्ट समझ में आ रहा है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी छोड़ के फेमा का सब मैंने कर दिया है, अब आपको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ढूंढ लानी है, ठीक है, ये चीज को याद रखना। अगला प्रीएम्बल, अब मैंने बोला था ना कि फेमा का देखो स्कोप चेंज है, फेरा वॉज टू रिजर्व फॉरन एक्सचेंज, फेमा इज टू फैसिलिटेट द ट्रेड, देखिए जो बोल रहा हूं, द एक्ट एम्स टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ फैसिलिटेटिंग द एक्सटर्नल ट्रेड। बोला था मैंने ट्रेड के लिए बनाया गया है, फैसिलिटेटिंग एक्सटर्नल ट्रेड है, ठीक है, क्योंकि WTO के बाद बनाने तो ट्रेड तो फैसिलिटेट करना ही था बच्चों। फॉर प्रमोटिंग ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, रेगुलेशन वर्ड यूज नहीं किया, मेंटेनेंस इसलिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, रेगुलेशन एक्ट नहीं है, मेंटेनेंस है ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया, ये बोला गया है। तो ये प्रीएम्बल हुआ, इसका एग्जाम में कुछ नहीं पूछेंगे, नीचे वाली चीज इंपॉर्टेंट है, अब नीचे वाली मैं पढ़ता हूं एक बार, फिर आपको 10 बार पढ़नी पड़ेगी तब जाके समझ में आएगी। फेमा 1999 एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, पॉइंट नंबर वन, फेमा 1999 एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, ओके नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट पॉइंट नंबर टू, इन एडिशन इट शॉल ऑल्सो अप्लाई टू ऑल ब्रांच ऑफिस एंड एजेंसीज आउटसाइड इंडिया ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, पार्ट नंबर टू, जो भी ब्रांच ऑफिस एजेंसी आउटसाइड इंडिया है उसको यह अप्लीकेबल हो जाएगा जो कंट्रोल किया जाता है पर्सन इन इंडिया से। फिर उसके बाद में पार्ट नंबर थ्री, ऑल्सो एनी कॉन्ट्रावेंशन देयर अंडर कमिटेड आउटसाइड इंडिया बाय एनी पर्सन टू हुम दिस एक्ट अप्लाइज, मतलब ये हुआ पार्ट नंबर थ्री, इंडियन पर्सन ने बाहर कॉन्ट्रावेंशन कर दिया तो भी अप्लीकेबल होगा। अकॉर्डिंगली, नीचे अब एक्सप्लेनेशन चालू हो रहा है, फेमा डज नॉट अप्लाई टू सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन को लगना जरूरी नहीं है, हु आर नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट को लगेगा, सिटीजन भले ही किधर भी हो इंडिया का उसको लगेगा, ये कंपलसरी नहीं है, हु आर आउटसाइड इंडिया अनलेस दे आर रेसिडेंट, मतलब सिटीजन में दो पार्ट होंगे, एक रेसिडेंट एक नॉन रेसिडेंट, तो सिटीजन जो रेसिडेंट है उसको अप्लाई होगा, जो रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट सिटीजन है उसको नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके रिलेटिव में कोई अगर भाई बहन कोई भी या कुछ भी आपके पहचान वाला अगर बाहर जाके NRI बन चुका है, NRI नॉन रेसिडेंट, रिक्वायर्ड नहीं रहे, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन अगर बन चुका है, तो ऐसे सिचुएशन में उसको फेमा अप्लीकेबल नहीं होगा, भले वो सिटीजन है पर रेसिडेंट नहीं है, क्लियर है। अब रेसिडेंट, सॉरी रेसिडेंट क्या होता है, आएगा 2 सबसेक्शन B में हम इसका डेफिनेशन देखेंगे, फिलहाल आप सिर्फ रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट ये बोलो, क्लियर है। सो सिटीजन हु इज अ रेसिडेंट इसको ही फेमा अप्लीकेबल होता है, ठीक है, फिलहाल के लिए, आगे ये अमेंड जरूर होगा, फिलहाल के लिए सिटीजन हु इज अ रेसिडेंट, सिटीजन हु इज अ नॉन रेसिडेंट नहीं होता। आगे, द एक्ट हैज बीन फर्दर एक्सटेंडेड टू इंक्लूड ब्रांचेस ऑफिसेस एंड एजेंसीज आउटसाइड इंडिया, बाहर के ब्रांच ऑफिस एजेंसी को इंक्लूड करने की बात की है, द स्कोप ऑफ दिस एक्ट thus इज वाइड इनफ, सॉरी हेडफोन वालों, सॉरी, वाइड इनफ बिकॉज द एम्फेसिस ऑन द वर्ड ओन्ड और कंट्रोल्ड, इवन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द फेमा कमिटेड आउटसाइड इंडिया बाय पर्सन टू हुम एक्ट अप्लाइज इज ऑल्सो कवर्ड इन द फेमा। मैंने पढ़ लिया, आपको मैं 30 सेकंड देता हूं, इसको गुस्से से देखिए, इतना गुस्से से देखिए कि डर के मारे समझ में आ जाए, क्लियर है। सो गुस्से से देखिए, पढ़िए इसको 30 सेकंड, गो फॉर इट फास्ट। समझियो कई, मार्किंग्स भी कर लीजिए, समझियो कई, पढ़ा सबने, कुछ झेपरा है नहीं झेपरा है,
चलो डन ओके। अगर आपने इसको पढ़ा होगा 30 सेकंड के लिए, ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूं, इसको समझाना, ठीक है। सो अब वो सेंटेंस फिलहाल भूल जाइए, मैं बताऊंगा कहां कहां क्या क्या कवर हो रहा है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, इंडिया मेरे देश की धरती, कहां कहां एप्लीकेबल बोलो, मेरे देश की धरती और उसके 12 नॉटिकल माइल्स, मेरे देश की धरती। सो कोई पर्सन अगर इंडिया में है, इंडियन पीआर आए, ठीक है, इंडियन आदमी दिख रहा होगा आपको, वो इंडिया में रुपीस का नहीं तो डॉलर का ट्रांजैक्शन कर रहा है, क्या इसको फेमा लगना चाहिए? सिंपल सी बात है, इंडियन पर्सन इंडिया में रुपीस का ट्रांजैक्शन करेगा, फेमा काई को लगेगा? आप जब मेडिकल स्टोर में जाके दवाई खरीदते हो, रुपीस देते हो, क्या आपको फेमा लगता है? नहीं। आप कुल्फी खरीदते हो, फेमा लगता है? नहीं। आप आइसक्रीम खरीदते हो, फेमा लगता है? नहीं। आप आम खरीदते हो, सर क्वारंटीन में आइसक्रीम और आम का नाम मत लीजिए सर, मैंने तो कल ही खाया। एनीवेज आगे, सो रुपीस, ये चीज को आपने याद रखना, रुपीस को फेमा नहीं लगता, लेकिन इंडियन पर्सन इंडिया में डॉलर का ट्रांजैक्शन कर रहा है, पॉइंट नंबर वन जहां फेमा लगता है, बिकॉज फेमा इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया, डॉलर का ट्रांजैक्शन होगा तो फेमा लगेगा। यही रेसिडेंट इंडियन यूएस भाग गया, कहां भाग गया? यूएस, और यूएस में जाके रुपीस या डॉलर का ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो दिस इज, अब वहां रुपीस का भी ट्रांजेक्शन करे तो भी फेमा लगेगा, डॉलर का करे तो भी फेमा लगेगा, दिस केस नंबर टू, ही इज अ रेसिडेंट पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, इसको हम प्यार से पी आर आई बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पी आर आई, पी आर आई, पी आर आई, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, इसको हम फेमा लगाएंगे भले रुपीस में ट्रांजेक्शन करे या डॉलर में, क्योंकि पी आर आई है, इंडिया के पर्सन को बाहर कोई भी हरकत करता है तो फेमा लगता है। इसी PRI का बाहर कोई ब्रांच ऑफिस या एजेंसी है, देखो ब्रांच ऑफिस या एजेंसी, इसी PRI का एनी ब्रांच, एनी ऑफिस, एनी एजेंटी, एजेंसी बोला मैंने, आपने क्या सुना, एक्सेट्रा है, विच इज ओन्ड है या कंट्रोल्ड है, या कंट्रोल, कंट्रोल उदय, या ओन्ड है या कंट्रोल्ड है, तो ऐसे सिचुएशन में दिस इज अ थर्ड प्लेस जहां फेमा लगता है, भले वो रुपीज में ट्रांजेक्शन करे या डॉलर में, एनी ब्रांच ऑफिस एजेंसी ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय इंडियन। चौथा, बाहर एक पर्सन था, नाम था पीटर, लड़की होगी तो पीटरी, बाहर एक पर्सन था, नाम था पीटर, पीटर ने बाहर कोई ट्रांजेक्शन किया रुपीज या डॉलर का, उसको फेमा एप्लीकेबल नहीं है, बाहर उसको एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन पीटर इंडिया में आया, इंडिया में एक रुपीस का और डॉलर का ट्रांजैक्शन कर रहा है, क्या इसको फेमा लगेगा? लगेगा, 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 सर ये तो कहीं लिखा ही नहीं है, पर इसको फेमा लगेगा, दिस इज द फोर्थ केस। सर ये पर कहीं लिखा नहीं है, आपने कहां से लाया? ये मैंने पॉइंट वन से ही लाया, फेमा इज एप्लीकेबल टू एंटायर इंडिया, एंटायर इंडिया मतलब इंडिया में जो रेसिडेंट है और जो नॉन रेसिडेंट है, जो इंडिया में आए हैं उन सबको लगेगा, ये बाहर से इंडिया में आया, ऐसा कैसा चलेगा दीदी कि इंडिया में आएगा डॉलर का ट्रांजैक्शन करेगा और फेमा नहीं लगेगा? डिस्क्लोजर इज रिजिडिटी, रिजिडिटी रिगार्डिंग डिस्क्लोजर, कुछ याद आया डिफरेंस में मैंने बताया था, फेमा इज रिजिड रिगार्डिंग डिस्क्लोजर्स, कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो इसको चौथा केस है जिसको लगेगा फेमा, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, चार केसेस में फेमा लगता है। आइडिया क्लियर है बच्चों मैं क्या कह रहा हूं? कंसेप्ट क्लियर है? लिख लो, आपके बुक में डायग्राम ऑलरेडी होगा, उसके अंदर लिख लो, गो फॉर इट फास्ट। साथ में मैं कुछ टेक्स्ट दे रहा हूं वो भी लिख लेना।
पी आर ओ आई, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, याद रखना। लिख के रखो। जालका, जालका मतलब हो गया क्या, थई गयो के कोई को कोई। चलो डन एवरीबॉडी, हो गया सबका आई गेस, लिखा होगा, नहीं हुआ तो पॉज करके लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं रुक जाता हूँ चाहिए तो, डोंट वरी। चलो डन, ओके। सो आई गेस एप्लीकेबिलिटी ऑफ फेमा सबको समझ में आया होगा अभी तक के, ठीक है। चलो अब हम अगले कंटेंट के ऊपर जा रहे हैं, और नेक्स्ट कंटेंट जो हम लेने वाले हैं दैट इज रिगार्डिंग, एक बार नोट्स के ऊपर आते हैं, नोट्स में से हमने कवर कर लिया क्या क्या, एक बार देख लेते हैं, मतलब टेंशन नो को सी दिस, ठीक है। सो मैंने एक्सटेंट और एप्लीकेबिलिटी कवर कर लिया है, जिसके अंदर यह डायग्राम था, यह डायग्राम को हमने फिनिशअप कर दिया है, ठीक है। उसके बाद में बॉम्बर्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। ये बॉम्बर्स को थोड़ा सा पेंडिंग रखिएगा, पेंडिंग, कीप पेंडिंग दिस बॉम्बर्स, क्योंकि ये आगे आने वाला है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स के अंदर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स के अंदर मैं इसको फिलअप करवा दूंगा, ठीक है। उस वक्त मैं बताऊंगा कि अपने को इस कंसेप्ट पे वापस आना है, और यहां पर लिखना है कि क्या अलाउड है और क्या नहीं है, ठीक है। श्योर, उसके बाद में नेक्स्ट, अब जो अगला एरिया शुरू होता है हम उसको डेफिनेशन वाला एरिया कहते हैं। अब सिचुएशन ऐसा है कि हर डेफिनेशन हम यहां पर पढ़ेंगे, जैसे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, तो डेफिनेशन उन्होंने क्या बोला है, अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 16, क्योंकि ये मॉड्यूल में दिया है इसलिए मुझे ये डेफिनेशंस देना जरूरी है, क्योंकि ये मॉड्यूल में दिया इसलिए मुझे देना जरूरी है। पर इसमें से कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट कुछ ही डेफिनेशन है। इंस्टीट्यूट जब खुद का मॉड्यूल बनाती है तो इंस्टीट्यूट डेफिनेशन कॉपी पेस्ट करती है,
और जैसे कि वैसे ही डाल देती है, लेकिन इसमें से कंसेप्चुअल डेफिनेशंस काफी कम है, तो हमें कंसेप्चुअल डेफिनेशंस ही यहां पे अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो जो छोटी मोटी डेफिनेशन है जिनका कोई मीनिंग नहीं है वो हम यहां पे अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो अब पहले कंसेप्चुअल डेफिनेशंस लेने की कोशिश करूंगा, ठीक है? लेट्स गो। तो अब कंसेप्चुअल डेफिनेशन में कौन कौन सी डेफिनेशन आती है इसको हम देखने के लिए जाएंगे हमारे पीपीटी के अंदर, जिसके अंदर सबसे पहली डेफिनेशन जो आपको दिखेगी वो है, दैट इज हमारी फॉरेन करेंसी की डेफिनेशन। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट पढ़ रहे हैं तो फॉरेन करेंसी तो पता होना चाहिए। सो हम पहली डेफिनेशन जो यहां कवर कर रहे हैं वो है फॉरेन करेंसी की डेफिनेशन। लेट्स स्टार्ट। क्या हो सकता है फॉरेन करेंसी का डेफिनेशन, क्या लगता है आपको? बोलो बोलो, डरो मत, बोलो। हाँ सर, एनी करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी इज अ फॉरेन। मस्त, वाह वाह वाह, तूफान, वाह शानदार। पर लकीली आपकी डेफिनेशन सही है, जो आपने ये सस्ते नशे वाली डेफिनेशन बोली है, सस्ते नशे व्हाइटनर वाली डेफिनेशन, आई कैन सैनिटाइजर वाली डेफिनेशन। आज मतलब ये अभी नशों की लेवल अलग हो गई है बेटा, मतलब चरस कोकेन अफीम अलग है, लेकिन गांजा, मतलब गांजा सबसे नीचे, फिर उसके ऊपर व्हाइटनर, सैनिटाइजर, अभी तो आजकल आप मस्त कड़क है। हाँ यार, करते हो नहीं करते हो? सो फॉरेन करेंसी की डेफिनेशन जो सस्ते नशे वाली बोली अदर देन इंडियन करेंसी, बेयर टेक्स्ट में भी यही लिखा है, एनी करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी इज अ फॉरेन करेंसी। समझ रहे हो? एनी करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी, ये सब करेंसी के फोटो लगा के रखे हैं मैंने जिंदगी के अंदर। पर सवाल ये नहीं है कि अदर देन इंडियन करेंसी फॉरेन करेंसी है क्या, वो तो है ही, वो तो सबको पता है, जग जाहिर सत्य है। सवाल ये है कि ऐसी कितनी करेंसीज है दुनिया में अदर देन इंडियन करेंसीज जो फॉरेन करेंसी मानी जाती है, कितना नंबर है, और इसमें चीपेस्ट करेंसी और कॉस्टलीस्ट करेंसी कौन सी है ये भी पता होना चाहिए, यूनिवर्सल करेंसी कौन सी है ये भी पता होना चाहिए। सिर्फ इतना बोल के तो फायदा नहीं है कि अदर देन इंडियन सभी फॉरेन है, कितने हैं अब दुनिया में, कितने करेंसीज है ये समझने के लिए पता होना चाहिए दुनिया में कितने कंट्रीज है। तो क्या मुझे बोल सकते हो कितने कंट्रीज है दुनिया में, बताओ जरा, सुनू मैं, सुनू तो सही, क्या बोलते हो, कितने कंट्रीज है दुनिया में, टेल मी। हाँ 200, 250, 300, 350, 1000, 5000, कितने, ओके, कुछ सुनाई दे रहे मेरे को दो तीन लोगों के। इसको समझने के लिए ना आपने वो मूवी देखना चाहिए था, एक था टाइगर, देखा है? एक था टाइगर, सलमान खान का मूवी आया था, उसके बाद से वो टाइगर प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया था। एक था टाइगर मूवी में सलमान खान को कटरीना कैफ से प्यार हो जाता है, सलमान खान इंडियन, कटरीना कैफ पाकिस्तानी दिखाई है उस मूवी में, प्यार हो जाता है, तो सलमान खान का बॉस सलमान खान को एक डायलॉग मारता है, दुनिया में 205 कंट्रीज है और तुझे लड़की मिली थी पाकिस्तान की, 205 कंट्रीज, ये समझने वाली बात है, मूवीज पर से भी सीखने लायक मिलता है। सर कहां से निकाल के लाते हो ये, क्या करूं अभी मैं देखता हूं, मैं टीचर हूं, मैं अब आजकल कोई भी चीज को देखता हूं तो मैं देखता हूं कि इसके कौन सा सेक्शन बन सकता है या कौन सा कंसेप्ट पढ़ाया जा सकता है। हवा में परिंदा उड़ रहा है, हाँ इसमें इतने पंख है, सेक्शन नंबर 20, ठीक है, ऐसे ही होता है। सो दुनिया में 205 कंट्रीज है जिसमें से पाकिस्तान, अब 205 कंट्री अगर आपको बोलूं तो 1205 कंट्रीज दुनिया में है, पर यूनाइट उसमें से कुछ कंट्रीज नहीं है, जैसे अंटार्कटिका, गौतमाला, पेरू, नाइजीरिया, म्यांमार, ये कुछ ऐसे कंट्रीज है जिनको कहते हैं नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज, नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज एंड टेरिटोरीज। यूनाइटेड नेशन के सर्वेस के हिसाब से 205 कंट्रीज में से 19 कंट्रीज को उन्होंने नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज बोला है, तो दुनिया में 196 कंट्रीज है, और 196 कंट्रीज ये खुद की करेंसी नहीं रखते, इसमें से 50 कंट्रीज ऐसे हैं जो दूसरे की करेंसीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक्चुअली दुनिया में सिर्फ 146 कंट्रीज ऐसे हैं जिनको खुद की करेंसी है, तो दुनिया में 146 करेंसीज है जिसमें से एक इंडियन रूपी है, तो बचे हुए 145 करेंसीज हमारे लिए फॉरेन करेंसीज माने जाते हैं। समझ में आया? 196 कंट्रीज, 50 कंट्रीज दूसरे के करेंसी यूज करते हैं, तो 146 करेंसीज, 146 में से एक इंडियन करेंसी, तो 145 फॉरेन करेंसी, जिसमें से अगर मैं आपको बोलूं तो सबसे महंगी करेंसीज में आता है थर्ड नंबर पे ओमानियन रियाल, ओमानियन रियाल, $2.6 इज इक्वल टू 1 रियाल,
कैन यू इमेजिन 2.6 $2.5 मतलब इंडियन करेंसी के हिसाब से 200 रुपए के आसपास एक ओमानियन रियाल आता है, क्योंकि गल्फ कंट्री है, तेल यही लोग बेचते हैं ना। फिर बहरीन दिनार $2.65, ये मैंने जब लिया था तब का है, इसके आसपास ही रहेगा फिलहाल, मतलब 300 रुपए के आसपास बहरीन दिनार, समझ में आ, 200 रुपए के आसपास बहरीन दिनार। और कुवैतियन दिनार $3.5 का नियरली, मतलब 300 रुपए के आसपास कुवैतियन दिनार। सो ये तीन सबसे महंगे करेंसीज है, तीन सबसे सस्ते करेंसी, उसमें थर्ड नंबर पे वियतनामीज डोंग, $1 इज इक्वल टू 20,000 वियतनामीज डोंग, $1 लेके जाओ 20,000 वियतनामीज डोंग मिलेंगे, समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना। मतलब अगर आपको कोई लखपति वगैरह वाला फीलिंग लेना है, करोड़पति वाला, तो ऐसे 1,000-2,000 रुपए लेके चल जाना, वहां लखपति बन जाओगे जिंदगी के अंदर, ठीक है। सोमालियन शिलिंग $1 इज इक्वल टू 22,000 सोमालियन शिलिंग होते हैं, और अगर इसको 70 से भी डिवाइड कर दिया तो भी अपने लिए काफी है जिंदगी के अंदर, हाँ ना। और सबसे सस्ती करेंसी ईरानियन रियाल, $1 इज इक्वल टू 24,576 ईरानियन रियाल। ऐसे तुम लेके जाओगे ना 5-10,000 रुपए, एकदम पैसा ही पैसा। पर बच्चों, करेंसी का डिनोमिनेशन बढ़ने से कॉस्ट ऑफ गुड्स उतना नहीं होता, कॉस्ट ऑफ गुड्स पूरे दुनिया में नियरली सेम चलता है। जैसे हमारे यहां पे अगर कोई चीज $1 में मिलती होगी, तो ईरान में वही चीज आपको 24,576 ईरानियन रियाल की मिलेगी, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल दुनिया का ट्रेड एक जैसा हो चुका है, तो ऑब्वियसली गुड्स की कॉस्ट तो उतनी ही रहेगी। ये चीज को याद रखना, जिसको चाहिए वो इसको लिख सकता है, ठीक है। सस्ते और महंगे करेंसी पता होनी चाहिए, लिख के रखिए, काम में आएगा, गो फॉर इट फास्ट। पहले सस्ते लिख लीजिए, फिर लास्ट स्लाइड पे जाते हैं। ये तीन हो गए, अगले तीन लिख लेना जो कॉस्टलीएस्ट है, याद रहने चाहिए। और यूनिवर्सल करेंसी सबको तो पता ही होगा, कौन सी बच्चों? यूनिवर्सल करेंसी डॉलर, यूनिवर्सल करेंसी डॉलर है, इसलिए इसके बाद फेमा में जब कभी भी मैं डॉलर वर्ड यूज करूंगा तो इसको ये मत मानना। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि बाहर टूरिज्म के लिए डॉलर की लिमिट है 10,000, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डॉलर लिमिट 10,000 है तो सिर्फ यूएस डॉलर में है तो यूएस में ही जा सकते, ऐसा हर एक कंट्री का अलग अलग नहीं दिया जाएगा। जब मैं बोलूंगा बाहर जाने की टूरिज्म की लिमिट $10,000 है पर पर्सन, तो यूएस के लिए $10,000 है, चाइना के लिए येन में कन्वर्ट कर लेना कि $10,000 उस दिन के एक्सचेंज रेट के हिसाब से येन में कितने होते हैं, उतने लिमिट हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलियन डॉलर में कन्वर्ट कर लेना, अगर रशिया जाना है तो रशियन करेंसी में कन्वर्ट कर लेना। तो पूरे फेमा में डॉलर लिमिट लिखी हुई है, पूरे फेमा में डॉलर लिमिट लिखी हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि सभी यूएस डॉलर यूएस के साथ ही होगा, डॉलर को आपको सेपरेट करेंसीज के हिसाब से काउंट करना पड़ेगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा, तो आपके लिमिट्स निकलेगी अलग अलग कंट्रीज की, क्लियर है? चलो, सो यहां पे बेसिकली हमारी पहली डेफिनेशन खत्म होती है, और जो डेफिनेशन है फॉरेन करेंसी, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना, आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? ओके, सो आई गेस आज हम यहां पर स्टॉप करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि इस क्लास में हम दो रिविजन कंप्लीट करेंगे और सोलबुक को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, कल का एक और लेक्चर हम फेमा का लेंगे, परसों जो फोर्थ लेक्चर है वो हम लेंगे सोल बुक के ऊपर, जो इसलिए लेंगे क्योंकि मैंने बोला है कि झाड़ लगा के गुलाब आजा बोल के कुछ नहीं होगा, वी हैव टू प्रिपेयर द सॉइल वेल। और फिर कुछ एक दो लेक्चर्स बाद मैं आपको बताऊंगा कि रिवीजन टेक्निक्स हम किस तरीके से यूज करने वाले हैं। जैसे अभी आप नोट्स ओपन करके देख सकते हो, नोट्स के साइड में मैंने हर जगह पर लिख के रखा है सेक्शन
रीडिंग, फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, ये मैंने लिख के रखा है, इसके पीछे कुछ रीजन होगा। और इस बार से नोट्स के अंदर मेक नोट्स के कॉलम सेपरेटली आ रहे हैं, हालांकि क्वारंटाइन में ये यूज होंगे नहीं होंगे आई डोंट नो, पर क्वारंटीन के बाद जितने स्टूडेंट इसको यूज करेंगे दे विल बी ऑलवेज हैप्पी टू सी दिस लेक्चर्स। ठीक है, सो प्लीज इसका हेल्प लीजिएगा। आज के लिए हम इतना काफी करते हैं। दिस इज दर्शन खरे साइनिंग आउट। गुड डे, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर्स, मिलते हैं कल।